कुमार भैया। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। ये असाइनमेंट कल हमने लिया था, इसमें स्टेप 2 और 3 को मिलाकर अपने को देखने की बात थी। तो अभी हम अभ्यास 2 कर रहे हैं। अभ्यास 2 में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और मूल रूप में चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और उसका आशय यह है कि जड़ हमें समझ में आ जाए। तो पहले अभ्यास में हमने चैतन्य को समझने का अभ्यास किया, दूसरे अभ्यास में हम जड़ को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। और जड़ वस्तु जो मुझे सहज रूप से उपलब्ध है वो मेरा शरीर है, तो मैं शरीर का अध्ययन कर रहा हूँ। मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसका अध्ययन कर रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं पूरे जड़ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये असाइनमेंट हमने कर लिया था, स्वयं द्वारा शरीर को दिए जा रहे संकेतों को देखना है। क्या मैं ये संकेत हर क्षण दे रहा हूँ या कभी कभी, इसको कल हम लोगों ने पूछा भी था और रिस्पॉन्सेस भी लिए थे। इसको हम बार बार देखें कि जो मैं शरीर को संकेत देता हूँ वो कभी कभी देता हूँ या हर क्षण देता हूँ। शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना है, क्या मैं इन संवेदनाओं को हर क्षण पढ़ रहा हूँ या कभी कभी। क्या मैं शरीर में होने वाली हर संवेदना को पढ़ रहा हूँ या उनमें से कुछ को। इन संवेदनाओं को पढ़ने का आधार क्या है। दिन में किसी समय किसी कार्य को धीमी गति से करना है और देखना है मैं और शरीर में किस तरह से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। इसके साथ शरीर के साथ अपने आदान प्रदान के दौरान देखें कि क्या करना है, इसका निर्णय कौन ले रहा है, आप स्वयं या शरीर। नियमित गतिविधियों के लिए इसका निरीक्षण करें। तो पूरे इस अभ्यास 2 में अगर हम देखें 7 स्टेप्स हैं और हम विधिवत एक एक स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले स्टेप में मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को हमने पहचानने का अभ्यास किया। किसी शरीर नहीं है, मैं भी हूँ। तो यहाँ ये अपेक्षा नहीं है कि मैं अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग देख पाऊँ स्टेप 1 में ही, ये तो अपेक्षा नहीं है। परंतु कम से कम ये बात तो ध्यान में आ जाए कि मैं और शरीर दो अलग अलग तरह की वास्तविकताएं होती हैं। सिर्फ शरीर नहीं हूँ मैं, सिर्फ जड़ नहीं हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने माना हुआ है। तो जो हम लोगों ने वर्कशॉप में प्रस्ताव का अध्ययन किया, मैं और शरीर का अध्ययन किया, उससे वैचारिक स्तर पर बहुत सारी बातें अपने को स्पष्ट हुई। स्वयं में जांचा, ये बात सहज से स्वीकार भी हुई और उसके साथ आगे बढ़ गए। इसी क्रम में हम लोगों ने मैं और शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं को, क्रियाओं को, रिस्पॉन्स को देखने का अभ्यास किया। अपने अंदर एक स्वीकृति बन गई है, हाँ मैं और शरीर दो अलग चीजें। बहुत तरह से हमने सूचनाएं भी ली हैं, इससे पता लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मानव जड़ मात्र है, शरीर मात्र है। तो अब उसको हम प्योर ऑब्जर्वर की तरह देखने का अभ्यास कर रहे हैं। स्टेप 2 में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो दिखता है कि मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचना का ही आदान प्रदान होता है। तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ जो एक सूचना है। शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के आधार पर संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं और उन संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ, और है ना, ये भी एक सूचना है। और ये भी दिखता है कि शरीर को जो मैं संकेत देता हूँ, संवेदनाओं को जो मैं पढ़ता हूँ, आवश्यकता अनुसार समय अनुसार मैं करता हूँ, हर क्षण कर रहा हूँ ऐसा नहीं। तो आप इसमें एक गुणात्मक अंतर देखेंगे कि मुझ में जो कुछ भी हो रहा है वो हर क्षण हो रहा है ना, निरंतर हो रहा है। परंतु मेरा यदि जड़ के साथ कोई आदान प्रदान हो रहा है तो सामयिक है, तो ये बात हमको स्पष्ट होगी जितना जितना हम इसको अपने आप में अध्ययन करेंगे, ये बात स्पष्ट होगी। तीसरी बात कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है इसका निर्णय मैं कर रहा हूँ, इसको भी हम लोग देख रहे थे। और इसमें भी बात ये हुई थी, इसको ओपनली ऑब्जर्व करें, मानने से शुरू ना करें कि मैं ही करता हूँ। तो इस पूरे अभ्यास में आप पाएंगे कि देखने का अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है। विचार में किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सहज रूप से पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है, ना पहुंचे परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अपने देखने के अभ्यास को और तीव्र बनाएंगे और सूक्ष्म बनाएंगे, जितना बारीकी से देखेंगे उतना हमें वास्तविकता और स्पष्ट होगी। फिर आपको ये भी दिखाई देगा कि बहुत सारी बातें आपको अपने आप में स्पष्ट होने लगी हैं, अगर आप मूल प्रक्रिया को सुनिश्चित कर पाते हैं, प्योर ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं। अगर आप देखें तो सत्य को लेकर, ज्ञान को लेकर जितने भी प्रस्ताव आए परंपरा में, जिस प्रकार से भी भाषा बनी, अल्टीमेटली कैसे बनी, तो लोगों ने शुद्ध दृष्टा के रूप में देखना शुरू किया। जब देखा तो दिखा, अस्तित्व तो दिखा, प्रकृति दिखा, स्वयं को देखा, शरीर को देखा, जड़ को देखा, चैतन्य को देखा। तो
मूल बात तो वो है कि हमें शुद्ध दृष्टा के रूप में स्थापित हो जाए तो सहज रूप से हम निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। तो ये अभ्यास अपने को करना था। तो कल जो आप लोगों ने अभ्यास किया होगा कि निर्णय कौन ले रहा है उसको लेकर यदि कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई बात ध्यान में आई हो, कोई प्रश्न बना हो, उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम उन प्रश्नों को ले लेते हैं जो आपके कल के असाइनमेंट से जुड़े हैं। जी, उसके बाद इससे जुड़े हुए और भी कुछ अगर प्रश्न बनते हैं, कुछ कौतूहल के प्रश्न होंगे उनको भी ले लेंगे। तो पहले उन प्रश्नों को ले लेते हैं जो कल के ऑब्जर्वेशन से जुड़े हैं। इससे तो मेरा कौतूहल का प्रश्न है कि जो अपने शरीर के अंदर मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तो अपने सब जो ऑर्गन जो काम कर रहे हैं वो सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें मेरा तो कोई निर्णय नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें कुछ आप किस तरह से जी, इस पर देखेंगे? कभी बात हुई थी कि मेरी स्वीकृति बनी हुई है तो मैं उसे कोशिका को पचाने का निर्णय नहीं दे रहा हूँ, भोजन को पचाने का, परंतु मेरी स्वीकृति है कि हाँ, खाना स्वास्थ्य के अर्थ में है, इसे इसे खा लिया जाए। इस स्वीकृति के साथ शरीर अपना काम कर रहा ओके, है। तो अगर इस स्वीकृति आपको नहीं दे रहा, सारे ऑर्गन जो अपना हिसाब से काम कर, उसमें मेरी स्वीकृति तो है ही, बराबर है। जी, तो स्वीकृति भी तो आपका निर्णय है। तो आप देखिए, कोशिका को अपने अनुसार चला नहीं रहे हैं, एक एक अंग को अपने अनुसार चला नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप हार्ट को हर बार बीट कर रहे हैं, है ना, या लंग्स को हर बार एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्राण कोशिकाओं में प्राण क्रियाएं हो रही है, परंतु उसकी स्वीकृति बनी हुई कि हाँ ठीक है। जैसे भोजन ले रहे हैं, आपको ये पता है कि घर का बना हुआ भोजन है, स्वास्थ्य के अर्थ में आप ले लेते हैं। कहीं बाहर खा रहे हैं, है ना, और किसी ने बता दिया कि यहाँ पे भाई सफाई का ध्यान नहीं रखते, कई बार उल्टी सीधी चीजें मिलावट मतलब मिली हुई पाई गई है खाने में, अब आपको वोमिटिंग जैसा लगने लगता है। खाना भी खा रहे थे और अभी वोमिटिंग लगने लगा, या कोई कह दे कि इस भोजन में विष मिला हुआ है, अब आपका पूरा प्रयास होता है कि ना पचे, बाहर निकल जाए। आप दौड़ के जाएंगे, है ना, वोमिट करेंगे, क्लियर करेंगे, जितना भी अंदर गया उसको सब बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, पानी पीकर जैसे भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब स्वीकृति नहीं रहेगी, पच जाए। एकदम ठीक है, शुक्रिया। बढ़िया भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते भैया। ये जो एक्सरसाइज है इसमें जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मेरा हाथ मुंह पे चला गया, तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ा, मुझे ऐसा कोई थॉट या ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि यार मैं कोई इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ मेरा हाथ उठ के ऐसा जाए। स्लो मोशन में मैंने करके देखा हाँ, तो पर उस टाइम तो मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें नहीं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाथ मेरा पीछे चला गया, तो इसमें ये कैसे देख पाए कि हाँ मैंने ये इसको डिसीजन लिया है कि मेरा हाथ, उसमें ऐसा कुछ थॉट या ऐसा कुछ नहीं पता लगता मुझे। एक तो ये था भैया, और बहुत सारी एक्टिविटी जैसे एक फाइट फ्लाइट की होती है, कोई एकदम से कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ऐसी होती है, तो उसमें भी देखना बड़ा मुश्किल होता है, या कई बार जैसे कोई छिपकली है, कल ही मेरे ऊपर एक छिपकली टूट गई, पर एकदम से पैर झटकने का जो डिसीजन है उसमें मतलब क्या कोई थॉट गया या ऐसा कुछ हुआ वो नहीं पता लगता, तो इसके बारे में भैया कुछ बताएंगे? आपके अंदर बहुत सारी स्वीकृतियां बनी हुई हैं जो काम कर रही हैं। जैसे एक स्वीकृति हमारे अंदर है ही कि जीना है, जीने का मतलब शरीर को बनाए रखना है, शरीर को बचाए रखना है, संरक्षित रखना है। तो जैसे छिपकली हमारे ऊपर गिरी, ठीक है ना, तो हमारे अंदर एक भय उत्पन्न हुआ कि कहीं काट न ले या कुछ ऐसा ना कर जिससे शरीर का त्वचा खराब हो जाए। तो उसके साथ फिर हम हरकत करते हैं तो हमारे शरीर के लिए कुछ बिगड़ ना जाए, तो शरीर को हम बनाए रखना चाहते हैं, उसमें जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसे हम बचाना चाहते हैं, वो स्वीकृति हमारे अंदर बनी हुई है। मुझे ये प्रोसेस इतना वैसे फास्ट है, इसके अंदर ऐसा कोई थॉट या ऐसा कुछ, जैसे आप ये इस एक्सरसाइज में हम करते हैं कि हाँ हमें देखना है, हम धीरे धीरे किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, उसमें तो मतलब डेलिब्रेटली हमें पता लग रहा है कि हाँ हमने ऐसे एक डायरेक्शन दी, हाथ उठाना है, हाथ नीचे जाना है, बट बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं वो इतने फास्ट हैं कि उसके अंदर नहीं पता लगता। वही तो, फास्ट होने का मतलब इतना ही है कि उसकी स्वीकृति बनी हुई है और हमको पता नहीं है और हम उसके अनुसार एक्ट कर जाते हैं। इसलिए हम लोग जो असाइनमेंट जाके धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करते समय आपके अंदर एक विचार उठेगा कि क्या कर रहा हूँ, प्रश्न बनेगा क्यों कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ भाव भी स्पष्ट होगा। ऐसा भी हम सब देखें, हम जितने लोग अभी सत्र में हैं, हम शरीर से कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं, आप उसको देखें।
ये हरकत हम क्यों कर रहे हैं, अच्छा भैया कोई एक बात क्वेश्चन और करनी है। था। हाँ एक क्वेश्चन और था इसके अंदर कि जैसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसीलिए बना हुआ है कि हम बाकी और चीजें कर सकें, क्योंकि अगर हम पूरे पूरे दिन में अगर ऐसे देखें तो और काम करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे हमें। शुरुआत में लगेगा कि मुश्किल हो गया है, परंतु यदि इसको आप करते हुए अपनी स्वीकृतियों को देख पाएंगे, फिर उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, फिर उसमें आप ज्ञान को सुनिश्चित कर पाएंगे, तो आप पाएंगे काफी फास्ट हो गया है। इनफैक्ट अभी क्या होता है कि हम तेजी से कुछ काम करते हैं और अंदर में समाधानित नहीं रहते हैं, है ना, कोई दुख क्षोभ विषाद बना रहता है, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर बैठ के हम मिनटों घंटों लगाते हैं। अभी आप थोड़ा सा अपने को ऑब्जर्व करिए, अजीब आपके ऊपर कोई स्कैनर लगा हुआ है, तो आप पाएंगे कुछ देर तो हम बहुत फुर्ती में काम करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर कोई दुख खड़ा हो जाता है, कोई परेशानी चिंता खड़ी जाती है, फिर हम बैठ जाते हैं और उसके बाद घंटों लगाते हैं उसके ऊपर, या कोई मिला तो शिकायत करने में हम घंटों लगा देते हैं, ठीक। तो ओवरऑल अगर आप पाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है, जबकि अगर हम अवेयर हो जाएं, अपना ठीक मूल्यांकन करें, ज्ञान समाधान को सुनिश्चित करें, तो आप पाएंगे हमारी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये जो बहुत सारा समय है हम अपने दुख को कम करने के लिए या अपने डिस्कम्फर्ट को, परेशानी को कम करने के लिए लगाते हैं, या लाइफ में बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, इन सब के लिए लगाते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं बनती। और ये जो ऑब्जर्व करना है ना, ये शुरुआत में आपको लगा कि एक डिफिकल्ट टास्क है, बट जब आपके अंदर ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाता है, तो आप ऑब्जर्व करते हुए ही हर काम करते हैं, तो मेरे अंदर कोई भाव उत्पन्न हुआ उसका मुझे होश क्यों नहीं है, मैंने शरीर से कोई हरकत की मुझे होश क्यों नहीं है, तो मैं पता लगाता हूँ उसको। और उसमें देखिए, शरीर की हरकत महत्वपूर्ण नहीं है, वो संस्कार का दिखना महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारे अंदर संस्कार में बहुत सारा कुछ बैठा हुआ है, हम लोग आगे इसको अभ्यास में जाएंगे तो दिखाई देगा, संस्कार में बहुत सारा कुछ बैठा हुआ है मानने के आधार पर। जैसे अगर हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं, हमने सुना तो हुआ होगा कि शिव शरीर नहीं है, पर हो सकता है जीने में अपने आप को शरीर मान के ही जीते हैं, तो शरीर गया तो मैं गया, ऐसा एक हमारे अंदर भ्रम है, उसको लेकर बहुत सारा भय है, उसको लेकर फिर बहुत सारे हम विचार करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, और उसमें बाधा ना उत्पन्न हो जाए इसके लिए भयभीत रहते हैं, सारा कुछ चलता रहता है हमारे अंदर। अगर कभी बाधा उत्पन्न हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, सुख पता नहीं है क्या है, या तो अनुकूल संवेदनाओं से मिलेगा या दूसरे से अनुकूल भाव से मिलेगा, अब जहां जहां बाधा उत्पन्न हुई है उसके लेकर बहुत सारे रिएक्शन पाले रहते हैं। तो आप पाएंगे जितना जितना हमें समझ सुनिश्चित होता जाता है, सही भाव सुनिश्चित होता जाता है, हमारा समय का सदुपयोग, शरीर का सदुपयोग, साधनों का सदुपयोग, संबंधों में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी, सब बढ़ता जाता है। जी भैया, मतलब जितना सजगता से अवेयरनेस से जिएंगे उसमें एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम ज्यादा फोकस्ड होंगे किसी बिल्कुल, चीज। देखिए अभी हमारे लिए क्या हाँ करने योग्य हमको स्पष्ट नहीं है, तो अपने मानने के आधार पर कुछ करते हैं, फिर उसका दुख पाते हैं, फिर दुख को कम करने के लिए बहुत सारा समय लगाते हैं। अब अभी आप देखिए, कॉर्पोरेट में लोग 11-11 घंटे काम करते हैं, 5 डेज अ वीक, ठीक, और उसमें बहुत सारा अपने ऊपर लोड लेते हैं, परेशान होते हैं, फिर फ्राइडे को जाएंगे और पार्टी करेंगे, है ना, दोनों वीकेंड पे खूब मौज मस्ती घूमना फिरना करेंगे। ओवरऑल देखिए तो 5 दिन हमने 11-11 घंटे काम किया, ठीक है ना, और 2 दिन हमने खराब किया, तो ओवरऑल कितना काम किया हमने, वही अगर हम सहज भाव से करेंगे तो कुछ सार्थक ही करेंगे और उसको बराबर करते रहेंगे। जी भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया भैया, जी नमस्ते नमस्ते। भैया, सभी को नमस्ते। एक प्रश्न बन रहा है भैया, जी तो तभी हमें हैंडल किया था भैया, और भी अभी टाइम मिला। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं भैया, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 स्टेप्स सभी कर रहे हैं। उसका मेन हम उस रुझान की ओर जा रहे हैं भैया, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, ऐसा मुझे कुछ भास हो रहा है भैया। जी इसका अर्थ भी क्या है कि अभी शरीर हमारे एक बाध्यता है, क्योंकि तो हमारे अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित नहीं हुआ है, सही समझ सही भाव सुनिश्चित नहीं हुआ है, तो शरीर मेरे लिए एक बाध्यता है, तो शरीर होगा तभी तो संवाद करेंगे, तभी तो जांचेंगे परखेंगे, है ना, संवाद के माध्यम से और जी कर देखेंगे। अगर ये काम पूरा हो जाए तो फिर शरीर मेरे लिए बाध्यता नहीं है, तो अभी जब तक शरीर मेरे लिए बाध्यता, मैं परतंत्र तो हूँ ही,
तो मैं शरीर पर निर्भर हूँ अपने सुख के लिए। क्या इससे मैं संवेदना पाके सुखी होने जाऊँ या इसके माध्यम से ज्ञान सुनिश्चित करने जाऊँ? मैं अभी शरीर पर निर्भर हूँ तो परतंत्र तो हुई, तो एक बार ज्ञान सुनिश्चित हो जाए पूर्णता में और उसको हमने जी कर देख लिया, फिर ये परतंत्रता चली गई। उसी को कहा कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब परतंत्र नहीं है, अब शरीर लेंगे तो इस है ना पूरे अस्तित्व में प्रकृति में भागीदारी के अर्थ मिलेंगे। तो अगर हमको दिखता है कि समाधान सुनिश्चित हो गया, अब मैं समझ गया कि अब हम शरीर लेंगे तो संबंधों के निर्वाह के लिए, व्यवस्था में भागीदारी के लिए, मानवीय परंपरा के लिए लेंगे, अभी वो ऐसा नहीं है, अभी तो हम बाध्य हैं, नहीं लेंगे तो दुखी रहेंगे। वहां क्या हो गया, सुखी हो गया, निरंतर सुखी हो गया, अब अपना च्वाइस रह गया। तो इसी को कहा कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ हाँ भैया, इसकी इसको ऐसे भी समझे भैया, सुख सुख दुख समत्व देखने का भी एक ये बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है। है ना, समत्व का मतलब ही क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना। हाँ, एज ए प्योर ऑब्जर्वर हम वही कर रहे हैं भैया भैया। जी मतलब अब हम स्ट्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस निरंतर रहे और दुख दुख भी आ रहे जा रहे भैया, वो समत्व की स्थिति को भी हम वैसे ही कैसा वही, मोक्ष समत्व मोक्ष मतलब जो जैसे। वस्तु जैसी है उसको वैसा। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, शरीर से मुझे सूचना मिल रही है। अब सूचना को मैंने सुख मान लिया, ये गलती हो गई। मूल रूप में क्या गलती हो रही है, अगर इस पूरे अभ्यास दो को देखें तो ये हमको समझ में आता है कि सूचना है, सुख नहीं है। जो भी संवेदना आ रही है बाहर से वो सूचना है, सुख नहीं है। चाहे दूसरे से मिलने वाले व्यवहार के आधार पर सूचना मिलती हो, शरीर में होने वाली घटना से सूचना मिलती हो, ये सूचना ही है। तो समत्व तो कहाँ रहा? तो हमने इसका अधिमूल्यन कर लिया या अमूल्यन कर लिया, इस सूचना को मैंने सुख मान लिया, यही मूल गलती है। तो हाँ जब भैया, मैं वो तो समझ संस्कार पाता हूँ, संस्कार वश हो रहे भैया। जी, तो जब मैं समझ पाता हूँ तो मैं सूचना को सूचना के रूप में देखता हूँ, यही समत्व है ओह, एज इट इज भैया, एज इट इज। थैंक यू भैया, थैंक यू बहुत बढ़िया बढ़िया भैया, भैया। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। भैया मेरा मुझे ये पूछना था कि मैं अपने बॉडी में होने वाले संवेदनाओं को देख पा रही हूँ और उनको कुछ हद तक, मतलब पहले भी मैंने ये वो किया था, कोशिश की थी, कंट्रोल भी कर पाती हूँ, लेकिन इमोशंस की बात जब आती है, जब स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, जैसे कि अचानक से कोई बहुत अच्छी खबर मिली या हमें किसी ने अचानक से बहुत ही कड़वा कुछ बोल दिया या डांट दिया, तो उस टाइम पे एक आंसू का आना मुझे लगता है बहुत नेचुरल है, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। और अगर उसको मैंने किसी भी तरह बहुत वो करके अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन कुछ भी होता है जो कि सहज नहीं है मेरे लिए। तो इसको किस तरह से मैं लूं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ये हो सकता है? क्योंकि इमोशंस, जब स्ट्रांग इमोशंस होते हैं तो मुझे लगता है नेचुरली बॉडी रिएक्ट कर जाती है। देखिए, पहली बात तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं नहीं, मतलब मैं अपने है। को पढ़ के, जैसे मैं सोचूं ना कि कंट्रोल नहीं, मतलब कि हाँ, मतलब मैं देखकर ये सोचूं कि हाँ नहीं, अगर किसी ने मुझे कुछ बोला है तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, पर वैसा नहीं होता है भैया। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं आना चाहिए, वो तो जैसा है वैसा आएगा ही। अगर उनमें स्पष्ट नहीं है तो उसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा ही। उस समय में स्पष्ट नहीं है, प्रभाव को रोकेंगे तो शरीर में फिर दुष्प्रभाव दूसरे तरह का पड़ेगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि भाई हमने दुख है अंदर, उसको रोक लिया तो आंसू तो नहीं निकले, बट हार्ट पे लोड बढ़ गया, है ना, हाँ तो हार्ट अटैक हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, अच्छा आवश्यकता इस बात की है कि हम ठीक से समझ लें। जैसे अभी दूसरे व्यक्ति का हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, राइट इवेल्युएशन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो आशा होती है उस संबंध में, उस रॉन्ग इवेल्युएशन पे बेस्ड होती है। तो अगर हमको पहले से दिखाई दे कि अगले व्यक्ति में सही समझ, सही भाव नहीं है या पूर्णता में नहीं है, तो गलती तो करेगा ही,
और उसके पूर्व के आचरण को देखकर हमारे अंदर ये एक संभावना भी हो सकती है कि हाँ ये व्यक्ति कभी भी अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है या गलत व्यवहार कर सकता है, अपमान कर सकता है, ये मुझे पहले से स्पष्ट है। तो जितना वो कर पा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, नहीं तो हमको तो स्पष्ट है कि नासमझ आदमी तो गलती कर ही सकता है। ये भी दिखाया था कि हम में भी समझ का अभाव है, हम भी गलती करते रहते हैं। तो अगर हम इस स्पष्टता के साथ जीते हैं तो फिर अगला व्यक्ति जैसा भी व्यवहार करता है उसका तत्क्षण मूल्यांकन हो जाता है। और अगर हमको ये दिखता है कि इंटेंशन अगले व्यक्ति का सही ही होता है, ठीक है ना, समझ की कमी होती है, तो फिर हमको ये समझ में भी आता है कि अगला व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है। और उसके साथ मुझे अपनी भागीदारी भी दिखती है कि अगले व्यक्ति कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है। राइट इवोल्यूशन के साथ है ना, हमको अपनी भागीदारी भी स्पष्ट होती है कि अगले व्यक्ति को कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसकी योग्यता बढ़ानी है। तो अभी क्या ओके हुआ, अगर इसको आप वो घटना का इंतजार भी ना करें, अभी आप बैठ के अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं या जिनके साथ इस संबंध में कहीं कठिनाई आ रही है उनका मूल्यांकन करें, तो आप पाएंगे तो उनको कहाँ स्पष्ट है सब चीजें, मैं शरीर है ना, संबंध व्यवस्था बिल्कुल सब चीज नहीं स्पष्ट है। ये तो पहले से ही है कि वो कहीं ना कहीं संबंध में विरोध का भाव उनके अंदर बनेगा ही। सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट नहीं होगी तो समृद्धि का भाव रहेगा नहीं, सुख स्पष्ट नहीं है, हार्मोनी स्पष्ट नहीं है तो दुखी अपने आप में रहेंगे, कम रहे ज्यादा रहे, आज रहे कल रहे, है ना, ये अलग बात है। अब ये जो सामयिक रूप से हम सुखी भी होते हैं वो एक एक्साइटमेंट ही है, बाहर से कुछ अनुकूल संवेदना मिल गई, अनुकूल भाव मिल गया तो कहते हैं सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए, अंदर देखते हैं तो मिलता नहीं है स्रोत उसका। तो अभी हम देखें तो हमारे अंदर सुख का स्रोत अगर नहीं है तो उसका दुख तो हमेशा ही बना रहता है, बीच बीच में बाहर से कुछ अनुकूल मिल जाता है तो सामयिक रूप से हम एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी को हम सुख का नाम देते हैं, जबकि अभी जो बात हो रही थी वो सुख नहीं है, सूचना है। अगर ठीक से देखें तो बाहर से जो मिल रहा है वो सूचना है, सुख नहीं है। तो सूचना और सुख के बीच के अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है अपने लिए। लेकिन सूचना से सुख मिल रहा है ना भैया? वही, उसको हम सुख नाम दे रहे हैं, उसको अर्थ दे रहे हैं हम। और उसमें भी बेसिकली अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें, सुख भी नहीं है वो, हमारा दुख कम हो रहा है उस समय। जैसे अगर हम अपने आप में होते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये बाहर से सूचना को हटा दीजिए, ठीक, थोड़ी देर के लिए अगर कल्पना में भी हटा दीजिए और अपने अंदर सुख के स्रोत को देखें तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम तो उसके अनुसार व्याकुल अपने आप में है ही, क्योंकि तो अंदर सुख का स्रोत नहीं है। अब क्या करें, उस व्याकुलता में हम बाहर भागते हैं, तो बाहर से सूचना जुटाते हैं और उसी को सुख का नाम दे देते हैं, मूल मुद्दा तो इतना ही है। तो अनुकूल बना रहता है तो हमको लगता है सुख मिल रहा है, जैसे परिवार में सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हमको बड़ा सुख लगता है, कल बुरा व्यवहार हो गया तो लगता है कि बड़ा गलत हो गया, दुख हो गया। बट सुख का स्रोत अगर भीतर नहीं है तो पहले से हमको स्पष्ट रहता है कि ये तो सामयिक है, आज अच्छा व्यवहार है कल बुरा हो सकता है। तो अगले व्यक्ति के साथ जो हमारी आशा होती है फिर समझ के साथ ही होती है, कभी हमारे अंदर सुख का स्रोत नहीं बना हुआ है तो हम कहीं ना कहीं बाहर से सूचना लेकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, वो सूचना कभी अनुकूल होगी कभी प्रतिकूल होगी। सूचना को सुख माना ये मेरी ना समझिए। हाँ ठीक है भैया। भैया मुझे बस ये पूछना था, जब हम कहते हैं कि हम अपनी बॉडी को एक मतलब जैसा इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, और तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर मेरे स्ट्रांग इमोशंस हैं और स्पेशली जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो उसके मतलब वो नेचुरल हो जाता है बहुत, और मुझे लगता है ये बॉडी अपने आप कर रही है, इसमें मेरा मेरा कुछ खुद का कोई रोल नहीं है, तो वहां पे मैं कैसे अपने आप को मतलब कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कंट्रोल करना। वही, इसलिए मैंने पहला वाक्य यही कहा कि कंट्रोल नहीं करना है, अपने में सुख के स्रोत को सुनिश्चित करना है। जब दुख होगा ही नहीं तो निकलेगा क्यों? अच्छा अब दुख ओके है और निकलने नहीं देंगे तो उसका अपने ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, शरीर पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी तो अपने ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस तरह से कि हम बहुत सारे विरोधाभास से भर जाएंगे, है जी ना, मूड पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत सारा हम ओवर थिंकिंग करेंगे, ओके शरीर पे ओके प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उससे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट है ना, सब प्रभावित जी होगा। तो उसको तो ज्यादा ठीक है कि निकल जाने दिया जाए, भले ही व्यक्तिगत रूप से निकल जाने दे, सामने ना जी निकाले ठीक है ना, परंतु जी वो समाधान नहीं है। समाधान तो यह है कि हम अपने अंदर
सही समझ सही भाव सुनिश्चित करें, इसीलिए तो ये दोनों अभ्यास कर रहे हैं। जी, समझी भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी, नमस्ते जी भैया। नमस्ते। भैया अभी जो बात कर रहे थे कि शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसमें पिछले मतलब कुछ दिनों से ना, जैसे मेरे कजिन सिस्टर थे तो उनको कैंसर बता दिया, 45-46 साल उनकी उम्र थी, तो 3-4 महीनों 9 महीना उनकी मतलब डेथ हो गई। हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह भी कर दिया और ऐसा लग रहा था उनके मतलब चेहरे को देख के कि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो गए। और इसी प्रकार से मेरे अंकल थे, वो मतलब 2 मिनट के अंदर ही उनको ये हार्ट अटैक वाला हुआ, और 2 मिनट के अंदर सामने डॉक्टर भी बैठे थे और हम भी भाग के उनके पास पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके, वो उनका भी शरीर चला गया। तो इसको हम भैया कैसे देखेंगे कि शरीर कैसे छोड़ना चाह रहे हैं फिर? देखिए, छोड़ना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, परंतु शरीर की ऐसी स्थिति बन गई जब शरीर को चला नहीं सकते, जैसे हार्ट सीज कर दिया, अब क्या कर लेंगे, है ना। तो जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो, है ना, शरीर चलेगा कैसे। शरीर और छोड़ना नहीं चाह रहे, परंतु शरीर की ऐसी स्थिति बन गई कि शरीर अब मेरे संकेतों को ले नहीं रहा है, तो क्या कर लेंगे फिर। अच्छा ठीक है, ठीक, देखिए, हम ऐसा ही तो जीना ही मतलब। चाहते हैं। हाँ जी, हम तो जीना ही जी, चाहते हैं, सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, परंतु अभी जीने में सुख नहीं बना हुआ है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव शरीर पर पड़ता रहता है। वैसे अगर शरीर के प्रति संयम का भाव नहीं है, तो शरीर में फिर बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं। और तीसरी बात कि शरीर की अपनी एक आयु भी होती है, एक उम्र के बाद शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। तो अगर समझ के साथ देखते हैं तो दिखता है कि शरीर की अपनी एक आयु होती है, उसके बाद वो शरीर साधन के रूप में काम नहीं कर पाएगा। हम सहज भाव से शरीर को छोड़ देते हैं फिर, जब भी एक सीमा आ जाती है कि हाँ, अब शरीर काम नहीं कर रहा। जी जी भैया, जी भैया ठीक है जी। बढ़िया भैया। जी जी प्रणाम भैया जी प्रणाम। जी, नमस्ते सभी को। भैया ये जो 2-3 दिन से विचार प्रक्रिया चल रही है शुद्ध दृष्टा बनने के लिए, और पिछले सेशन में भी सुना था यूएचबी के लास्ट, उसमें भी तो उस तरफ थोड़ी सी प्रगति है और थोड़ा सा समझने का वो है। एक तो सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि एक शरीर हमको सुंदर साधन मिला हुआ है व्यवस्था को समझने के लिए कि हम अपनी, दूसरा आया कि सामंजस्य में इंप्रूवमेंट हुआ है कि इस आपसी तालमेल जो है ना, इसमें पता लगा कि निर्णय प्रक्रिया कैसे चलनी चलनी है शरीर और मेरे बीच में, और हु इज द मास्टर, कौन किसको कमांड देगा। इसके दो छोटी छोटी, तो हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी उपलब्धि है, वो बताऊंगा, और थोड़ा सा आगे का उसमें समझना चाहूंगा भैया। तो उपलब्धि तो यह है कि जैसे होता है ना इंसोम्निया की समस्या, हमको नींद नहीं आती रात को, तो मैसेज देना आ गया कि भैया आप सो जाओ, आपको रेस्ट की जरूरत है और अब हम दोनों रेस्ट करते हैं। तो पहली चीज तो ये समझ में आई। दूसरा, जैसे घर ऑफिस में लोग चाय वगैरह पीते हैं तो उसकी तलब हुआ करती थी पहले कि कोई आ रहा है तो उसको हम ऑफर कर रहे हैं, तो खुद भी साथ में ले रहे हैं कि हाँ चलो मैं भी ले लेता हूँ। मन में विचार तो हमेशा बना रहा था कि चाय नुकसान करेगी शरीर को, लेकिन अब यह हो गया कि अब चाय बिल्कुल पिछले 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही बंद है। पहले सिर दर्द हुआ करता था, याद आती थी चाय की, और वो सब अब उस पे समझ में आ गया कि ये नहीं करना है, ये कमांड देने का, ये कमांड देना ही कहेंगे इसको, वो हो गया है। जैसे जो थकान होती थी, थकान में भी अब कुछ अपने आप को समझाना आया कि जैसे स्पोर्ट्समैन नहीं करते अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं कि इससे आगे और कुछ अचीव करना है, तो उस थकान के मैसेज को समझाना शरीर को कि हाँ ठीक है थक तो गए हो क्योंकि आप जड़ हो, आप एक चीज हो, है ना, आप उसमें अपनी क्षरण और उसका वो होगा ही, लेकिन उसको आगे, उसको पुश करना, लिमिट को पुश करने में इस प्रक्रिया का बड़ा योगदान रहेगा मुझे ऐसा लगता है आगे भी। ये वाली चीजें हुई भैया। इसके अलावा जो आगे जो समझना है, जैसे अभी भैया ने भी कहा कि शरीर जो बीमार पड़ गए और काफी बड़ी, जैसे मेरे साथ भी लास्ट ईयर एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मुझे शॉक लगा था बड़ा तेज कि मैं अपना फिट समझता हूँ और रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, उसमें एक नुकसान हो गया बड़ा, इंजरी आ गई बड़ी सारी, लेकिन उसको अब उसको समझना, उसके साथ सामंजस्य बैठाने में इसमें मदद मिलेगी इस प्रक्रिया से, इस विचार प्रक्रिया से। अभी जो थोड़ा सा आगे का है, हालांकि जवाब तो है मेरे पास में और मिल भी जाएगा ढूंढेंगे, तो जो थकान और डिप्रेशन है भैया, इस पे थोड़ा सा और इसमें मिलेगा आपका डायरेक्शन मिलेगा तो और फायदा होगा इसमें भैया। जी, तो ये जो थकान हो रही है या समस्या हो रही है, उसके मूल में जी देखें तो ये हमारे अंदर बहुत सारा भी संस्कार बना हुआ है जी जो जी समझ पे आधारित नहीं है। और वैसे आप देखें तो हर मनुष्य अपने संस्कारों के साथ ही संघर्ष कर रहा है।
हमने जो भी सुख के बारे में माना हुआ है, समृद्धि के बारे में माना हुआ है, स्वास्थ्य के बारे में माना हुआ है, संबंध के बारे में माना हुआ है, व्यवस्था के बारे में, उसके अनुसार हम निर्वाह कर रहे हैं। और जो माना हुआ है वो जानने के आधार पर नहीं है, तो उसी पे तो काम कर रहे हैं। तो जितना जितना हम इस ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे, उतना उतना जी जो वास्तविकता है हमको स्पष्ट होगी, और जितनी जी वास्तविकता स्पष्ट होगी हमारे अंदर सुख का स्रोत स्थापित होगा। और जितना सुख का स्रोत स्थापित होगा, ये बाहर पे जो निर्भरता है सुख की वो कम होती जाएगी। ये हमको दिख भी रहा होगा धीरे धीरे, जैसे अभी आपने जो उदाहरण लिए उसमें दिखता है कि जो बाहर एक निर्भरता थी हमारी वो कम होती जा रही है। जी भैया ठीक जी बात है ना। तो शुरुआत में तो ये होगा निर्भरता कम होगी, फिर धीरे धीरे जैसे ब्लॉक V1 की क्रियाएं जागृत होने लगती हैं तो हम जी स्वतंत्र होते जाते हैं, तो बिल्कुल निर्भरता कम दोस्त होती जाती है, कम होती जाती है, और हम फिर धीरे धीरे अपने में स्वतंत्र होते जाते हैं, तो वो रिडंडेंट हो जाता है फिर, और निर्भरता बची ही नहीं, पहले कम हो रही थी अब बची ही नहीं। तो इस पूरे क्रम में देखें तो उपलब्धि ये तो है कि निर्भरता हमारी कम हो रही है। दूसरे से अनुकूल भाव पाकर जो सुखी होने में लगे हुए थे, अनुकूल संवेदना पाकर जो सुखी होने में लगे हुए थे, उस पर निर्भरता बिल्कुल हमारी कम होती जा रही है। अब वो देखने में आ जाए एक शुद्ध दृष्टा के रूप में, तो सुख का स्रोत स्वयं स्थापित हो जाएगा, फिर स्वतंत्र हो जाते हैं, जी जितना भैया, दिख शुद्ध जाता है टाइम उतने में तो स्वतंत्र हो जाते हैं। जी जी, शुद्ध दृष्टा शब्द सुना था, और उसके वो कैसे बनेंगे ये तो भी पता नहीं, आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ। बाकी इन स्टेप से जरूर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अपने आपसी सामंजस्य, तालमेल और आदान प्रदान, सूचनाएं और संवेदनाएं जो है ना भैया, वो समझ में आ रही है। जैसे मैंने भी नींद का उदाहरण लिया, तो सभी के काफी काम आ सकता है ये, कि हम अपने शरीर को मैसेज दे सकते हैं कि हमें अब सो जाना चाहिए, और उससे फिर आगे विचार प्रक्रिया को हम अपनी शट ऑफ कर सकते हैं। पूरी शट ऑफ तो नहीं होती, लेकिन हाँ उसको डिम कर सकते हैं, और उससे हमको मदद मिलती है। तो एक छोटा सा स्वतः एक सामंजस्य के साथ वो फायदा, शरीर को विश्राम करने का जो समय होता है, तो उसमें देखिए अभी उसके क्या लिए फिर होता गोली है ना खाली। कि जी सही समझ सही भाव के अभाव में अभी हम जी शरीर को बहुत ज्यादा टैक्स करते हैं। जैसा जी आप पाएंगे हम अगर ओवर थिंकिंग करते हैं जी तो हमारा मेदस थकता जी हाँ है। अब ओवर थिंकिंग ना हो तो मेदस थकेगा नहीं, तो बिल्कुल सही जी ये नींद नहीं आने का एक मेजर कारण है, ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। दूसरा कारण है कि हम शरीर से श्रम नहीं करते हैं, तो शरीर थका ही नहीं तो सोएगा क्यों जी तो ये भी है। जी तो अभी हमारा जी जो दिनचर्या बन गया है कि वो है कि शरीर से हम श्रम बहुत कम करते हैं, ठीक है ना, और अपने आप में हम बहुत सारा विचार के स्तर पे काम करते हैं, भाव स्पष्ट नहीं रहता है, समझ सुनिश्चित नहीं होता है, तो इसलिए अपने आप में तो हमारी परेशानी होती है, शरीर के साथ निर्वाह में भी परेशानी होती है, जी और उसके साथ अगर हम भाई बहुत सारा उल्टा सीधा कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, भोजन शरीर बिल्कुल में डाल रहे हैं, वो एक नई समस्या है। तो अभी हमारे जीने का ढर्रा ही ऐसा बन जाता है कि जो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है वो शरीर में डाल रहे हैं, ठीक, शरीर से जो करने योग्य है वो हम कम कर रहे हैं, है बिल्कुल ना, विहार ठीक से नहीं रख रहे हैं, श्रम कम कर रहे हैं, और अपने आप में हमने मानसिक श्रम काफी बढ़ा लिया है अपने ही संस्कारों के आधार पर। जी अब हमने 10 जगह से लोन ले लिए, 10 जगह EMI पे करना है, आवश्यकता स्पष्ट नहीं है। अब रात को जब भी सोने जाते हैं तो दिखता है कि भाई ये जॉब तो इनसिक्योर है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जी EMI कैसे पे होगा, अगर सैलरी इतने तारीख के पहले नहीं आई तो EMI कैसे पे होगा, और कई जगह से तकाजा होगा। तो अभी हमने अपने आप में इतना उलझा लिया है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि अब हमारे लिए वो विचार पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो अगर हम सुविधा की आवश्यकता को स्पष्ट कर पाए, संबंध की प्रायोरिटी को देख पाए, संबंध में सहज स्वीकृत भाव को देख पाए, शरीर को साधन के रूप में देख पाए, कि बहुत सारी इच्छाएं अपने आप मूल्यांकित हो जाएंगी, इच्छाएं मूल्यांकित होंगी तो विचार का बोझ कम होगा और शरीर साथ भागीदारी भी स्पष्ट होगी, तो फिर सही ढंग से हम शरीर का भी निर्वाह कर सकते हैं, शरीर के साथ भी निर्वाह कर सकते हैं कि नहीं। तो जी मैं यही कह रहा था आप भैया कि कहेंगे जैसे कि जी हमारे अंदर समझ सुनिश्चित होता जाता है, या कम जी से कम ये जो संस्कार हैं पुराने, मान्यताएं मूल्यांकित होती जाती हैं, तो शरीर के स्वास्थ्य में भी एक फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है जी भैया, इसको शरीर से शिकायतें करने के बजाय और शरीर से दुखी होने, उसको वजन समझने के बजाय, वो एक सुंदर साधन है सामंजस्य के साथ। उसके साथ अगर हम उसको काम में लेंगे ना, तो शायद उसमें आगे हमारी रास्ता अच्छा जाएगा, इस तरह का बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शरीर समझ तो आ रहा है। साधन जी तो है ही, ये तो जी जितना जल्दी स्पष्ट हो जाए उतना जी आराम मिलेगा अपने आप में, कि नहीं। अभी जी शरीर भैया को स्वयं मान के जीते हैं ना, तो हम हमेशा हाँ डरे घबराए रहते हैं,
शरीर साधन के रूप में दिखाई दे जाए और अपना कार्यक्रम स्पष्ट हो जाए तो अपने आप में स्फूर्ति काफी बढ़ जाती है। इसी स्टेप से उस शरीर और मैं का जो फर्क है उस वो क्लियर अच्छा अच्छे से, वरना सिर्फ सुन सुन रहे थे अब तक, वो पता नहीं पड़ रहा था कि है क्या उसमें, कुछ कुछ स्पष्टता आ रही है भैया। जी बढ़िया भैया बढ़िया भैया, प्रणाम भैया, धन्यवाद भैया। जी। प्रभात कुमार जी हाँ भैया नमस्ते। प्रभात हाँ भैया जी, ये पूछना है ना मेरे को कि जैसे जब हम जागृत मतलब जब हम संभल के जीते हैं या सही समझ से जीते हैं तो वो तो सुख का आधार है, तो ये जो सही समझ है ये हर क्षण हर पल क्यों नहीं बनी रहती है? कभी कभी है ना हम जैसे कोई संवेदना मिली वहां डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा क्या अभ्यास ऐसा है क्या करें कि ये हर क्षण हर पल सही समझ में हम जिए? इसमें आप देखेंगे ना तो पाएंगे कि अभी हम विचार पूर्वक ये कह रहे हैं कि सही समझ ही सुख का आधार है, परंतु जब हम दुखी होते हैं अंदर अनकंफर्टेबल होते हैं तो उस समय अगर आप देखें तो हम सही समझ के लिए प्रयास करते हैं या दुख को कम करने का उपाय करते हैं, क्या करते हैं? भैया दुख दुख को कम करने का उपाय ही होता है कि मतलब जो कम दुख है उसमें चले जाएं, कम से कम बड़े दुख से निकल के। वही तो हमको लगता है ये तो बड़ा दूर की बात है, इधर तो मीलों दूर है ये मामला, तो अभी जो हो सकता है वो कर लिया जाए, तो फिर हम अभी इस तरह के जुगाड़ में फिर काम चला रहे होते हैं। कभी बीच में हमको याद आता है, विचार बनता है कि सही समझ सही भाव से निरंतर सुख है, फिर हम उसको है ना उसके लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु अपने आप में चूंकि सुख का स्रोत बना हुआ नहीं है तो हम परेशान भी होते रहते हैं, उस परेशानी को कम करने के लिए कुछ उपाय भी करते रहते हैं। वो ठीक है उसको कर लें है ना, परंतु इस बात को जांचते रहे हैं कि ये जो हमने उपाय किया उसमें निरंतरता है क्या, निश्चितता है क्या, स्वतंत्रता है क्या, तृप्ति बिंदु है क्या, इसको जितना ठीक से ऑब्जर्व कर लेंगे उतना निवृत्त होने लगेंगे उससे। अच्छा भैया जी, ये तो जैसे ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज में चले गए पता चला कि निरंतरता नहीं है, लेकिन फिर वही गलती दोहरा देते हैं, तो ये संकल्प सत्य इच्छा बन क्यों नहीं पाती है कि चलो ये गलत हुआ फिर वही गलत काम कर रहे हैं पता है, ये कहाँ सोचने विचारने में या समझने में गलती हो जाती है? क्योंकि वही सुख लगता है आपको जैसे हम विचार में कुछ विश्लेषण करके पालें ये चीज खाना ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है तो चीनी खाना ठीक नहीं है ना, परंतु जब कोई मीठी चीज सामने आई तो हमको लगता है अभी तो यही सुख है, अब इसको कहाँ तक हम रोकें दबाएं है ना, उसके कारण जो परेशानी हो ज्यादा बड़ी है, निरंतर सुख जब होगा तब होगा, अभी तो जो परेशानी हो रही है कि सामने मीठी वस्तु पड़ी है और उसको खा नहीं सकते और दुख ज्यादा बड़ा है तो हम मुंह में डाल लेते हैं, फिर डाल के फिर विचार आता है कि देखो फिर गलती की, कल ही निर्णय लिया था आज फिर गलती हो गई, तो हम तो किसी भी क्षण वही करते हैं जिसमें हमको सुख लगता है। अब हमको ये दिखाई देने में समय लग जाता है कि सही समझ सही भाव से ही सुख है, ये जो भी और ही का अंतर है ना, कि सही समझ सही भाव से भी सुख है या ही सुख है, तो जब तक ये भी से ही में नहीं गए हैं है ना, कहीं ना कहीं समाधान का अभाव है, ये भी से ही जाने में समय लगता है, कभी हमको लगता है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कभी ये ठीक है कभी वो ठीक है, जैसा समय जैसी परिस्थिति उसके अनुसार निर्णय लेंगे। तो जितना जितना हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में ऑब्जर्व करते हैं उतना उतना वे भी से ही में शिफ्ट होने लगते हैं, हमको तो दिखता है कि बाहर से जो आ रहा है सूचना मात्र है, तो सूचना को अर्थ मैंने दिया कि ये सुख है और अर्थ देकर मैं फंसा हुआ हूँ। अगर आप देखेंगे तो हम अपने लाइफ में अगर ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि इन्हीं सूचनाओं को सुख मानकर मैंने अपनी लाइफ को उलझा लिया है, तो उस समय तो सुख लगता है परंतु उसके बाद जो निर्णय लिए जो निर्वाह किया जो कमिटमेंट कर दिए बाहर, अब वो हमारे दुख का कारण बना हुआ है बहुत सारा। जी भैया जी, अच्छा भैया जी, इसमें तो काफी मुझे लगता है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो होता ही रहता है कि बाहर गए अंदर आए, मतलब सही फिर संवेदनाओं में चले गए। अच्छा भैया जी, मेरा एक सवाल और है कि ये जो मूल्य हैं वो स्थापित कैसे कैसे होते हैं? जैसे अभी तो मेरे को मूल्यों के बारे में पता चला है, पहचानना शुरू किया हूँ, और कभी कभी वो मूल्य रहते हैं कभी कभी नहीं रहते हैं, जैसे स्नेह का मूल्य हो गया या और कोई हो गया, ये स्थापित कब हो जाते हैं, मतलब कब ऐसे मेरे मैं के अंदर ये स्थापित हो जाए और मैं चीजों से विचलित ना हूं और
वो मूल्य परिवर्तित ना हो, ये कब होता है? वही जो हम लोगों ने अभ्यास एक किया ना, तो अगर आप इसके लास्ट स्टेप को देखें, स्टेप 7, तो हम मूल्य को ही स्थापित करने का काम कर रहे थे, सुनिश्चित करें कि मेरे अंदर संबंध का भाव है, व्यवस्था का भाव है, सहअस्तित्व का भाव है, और भी कभी कभी नहीं हर क्षण है। तो अभी स्टेप 1 से 6 ठीक से अगर करेंगे तब जाके 7 पहुंचेंगे। तो कब स्थापित होते हैं अगर पूछें, तो जब उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पाते हैं, तब स्थापित होते हैं। उससे पहले हम उसके आशा में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो भी हमने स्नेह माना हुआ है, जो भी हमने सम्मान माना हुआ है, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। बट जब वो उसका अर्थ ठीक से स्पष्ट हो जाता है, दिख जाता है अपने आप में, सुनिश्चित हो जाता है, तब तो वो बना रहता है। क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसे देखता हूँ ना, कई कई लोगों को कि जिनमें स्थापित हो चुकी है चीजें, मतलब वो कितना भी उनसे उनकी इर्द गिर्द उनके विपरीत हो या उनके अनुकूल परिस्थिति हो, जो भी हो, विचलित नहीं होते हैं, तो इसका मतलब स्थापित हो चुकी है वो चीजें, तो वो अपने अंदर नहीं हो पाते हैं। ठीक है भैया जी, धन्यवाद, बस यही कुछ रहे, बढ़िया भैया जी। देखिए उसमें दूसरे को भी देखने की जरूरत नहीं है, तो हमको स्वयं में दिखाई देगा। हम सहस्वीकृति को देखते हैं, क्योंकि तो हमने दूसरे को देखा, हमको लगता है स्थापित हो गया। अब किसी पॉइंट पे हमने देखा कि तो भी ये भी आवेशित हो गए, तो फिर लगता है इनमें भी स्थापित नहीं हुआ। तो बाहर देखेंगे तो उसमें शंका लगी रहेगी, अपने हाँ स्वभाव को देख पाएंगे तो निश्चिंत हो पाएंगे। बढ़िया भैया, तो यह बात आगे लेके भैया, चलते हैं। मनोहर जी का हाँ हैंड बढ़िया रेज है जी, बढ़िया, कंटेंट नमस्ते पे बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न को लेते हैं आपके। तो हम लोग स्टेप 3 पे अभ्यास कर रहे थे, निर्णय कौन लेता है, और इसको सहज रूप से अपने आप में ऑब्जर्व करना है, मानना नहीं है, है ना। जितना भी समय लग जाए इसको देखना है, देखना है अपने आप में कि संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। तो शरीर को संकेत देने का निर्णय मैं लेता हूँ, संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मैं ही लेता हूँ। जिस संवेदना को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसे पढ़ने का निर्णय लेता हूँ। तो सूचनाओं के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह से मेरा है, ये बात मुझे स्पष्ट हो सकती है, परंतु इसमें भी समय लग सकता है। इसमें ऑब्जर्व करें, हर परिस्थिति में ऑब्जर्व करें। जैसे बात हुई थी कि बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, क्या उसमें भी मेरा निर्णय है, तो ऑब्जर्व करें उसको। ऑब्जर्व करते समय फिर हमको ये भी दिखाई दिया कि शरीर में कुछ क्रियाएं स्वाभाविक रूप से प्राण कोशिकाओं में हो रही हैं, परंतु उसकी स्वीकृति किस प्रकार से मेरे अंदर बनी हुई है। मेरा निर्णय किस प्रकार हर संकेत के आधार में है, मेरा निर्णय किस प्रकार हर संवेदना को पढ़ने के आधार में है, ये हमको स्पष्ट होगा। तो आवश्यकता अनुसार इस आदान प्रदान को मैं करता हूँ ना, सामयिक रूप से इस काम को करता हूँ, निरंतर नहीं। तो मैं शरीर को जैसा संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है, मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूँ, साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। तो इसको देखने से आपको शरीर साधन की तरह और स्पष्ट होगा कि ये शरीर साधन है, मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है ना। इसको मैं जैसा चलाता हूँ वैसा चलता है। तो एक प्राणावस्था की इकाई के रूप में अपने आप में क्रियाशील है, परंतु इसको जैसा मैं चलाता हूँ वैसा साधन के रूप में काम करता है। जैसे हर एक कोशिका में क्रियाशीलता बनी हुई है, स्पंदनशीलता बनी हुई है, उसके साथ मैं इसको साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है, और इसको जो बात पहले भी कही जा रही थी कि इस पर सहमत हो जाना या असहमत हो जाना मुद्दा नहीं, मुद्दा तो इसको अपने निरीक्षण में ले आना है, दृष्टा भाव में ले आना है, ये मुझे दिखाई देने लगे। बढ़िया, यदि नेक्स्ट स्लाइड लगा लेते हैं। तो इसी को देखने के क्रम में हमें बात दिखाई देगा कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो मैं देखता हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को देखने के लिए प्रयोग करता हूँ, 5 इंद्रियों का प्रयोग करता हूँ। तो शरीर से मैं देखता हूँ, तो आँखों से देखता हूँ, है ना, कान से जो सुनता हूँ वो भी देखना ही है, यानी बाहर से सूचना ग्रहण करता हूँ। नाक से कोई गंध मिलती है वो भी देखना है, तो नाक से मैं सूचना ग्रहण करता हूँ। वैसे जीभ पे कोई चीज पड़ी उसका स्वाद लेता हूँ, ये भी देखना है। त्वचा के संपर्क में कुछ आया उसका भी मैं स्वाद लेता हूँ, वो भी देखना है। तो मैं शरीर का आवश्यकता अनुसार देखने के लिए प्रयोग करता हूँ, देखने का निर्णय मैं ही लेता हूँ, इसका मैं ही दृष्टा हूँ, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ। वैसे ही मैं करने का निर्णय लेता हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को करने का संकेत देता हूँ, मैं ही करता हूँ, और मैं ही हूँ जो सुखी या दुखी होता हूँ, शरीर नहीं। शरीर कट फट गया, कोई भौतिक रासायनिक घटना हो गई, खून बह गया, चोट लग गई, घाव हो गया,
सब शरीर में बहुत ही रासायनिक घटनाएं हैं, उससे दुखी मैं होता हूँ, प्रतिकूल संवेदना आती है, व्याकुल मैं होता हूँ, शरीर में कुछ देखकर भयभीत मैं होता हूँ, परेशान मैं होता हूँ। इस सूचना को मैं सुख मान लेता हूँ तो सुखी भी मैं ही होता हूँ, शरीर से तो बस सूचना आई। और मजे की बात देखें तो अभी आपको दिखाई दिया कि सभ्यतागत रूप से ये चूक हो रही है कि हमने सूचनाओं को ही सुख मान लिया है, तो उसी में हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो इसको जितना बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे आपको दिखाई देगा कि मैं ही दृष्टा, मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता, शरीर तो साधन मात्र है। तो मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर तो एक जड़ इकाई जो साथ में जुड़ी हुई है। इस जुड़ाव को जितना स्पष्ट कर पाएंगे उतना हमको शरीर के साथ अपनी भागीदारी भी स्पष्ट होगी। जहाँ शरीर से सुख पाने के लिए हम बहुत सारे उपक्रम बनाते हैं, उसके स्थान पर सुख के स्रोत को स्वयं सुनिश्चित करने का क्रम बनाएंगे और उस अर्थ में शरीर का प्रयोग करेंगे। तो फिर शरीर को हम ज्ञान समाधान के अर्थ में लगाएंगे, भागीदारी में लगाएंगे कि नहीं। और ये भी दिख रहा होगा आपको कि जितना जितना ये हमको स्पष्ट हो जा रहा है ना, शरीर का साधन की तरह प्रयोग और ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। अभी हम लोग हो सकता है पहले बहुत सारा काम कर रहे थे शरीर से कुछ अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने के लिए, खाना पीना, मौज मस्ती करना, नहीं बहुत सारा अनावश्यक रूप से घूमना फिरना, ठीक है, अनुकूल संवेदनाओं के लिए प्रयास करते रहना, अब उन सबसे निजात पाते जा रहे हैं। अब दिख रहा है कि ये तो पूरा नहीं पड़ेगा, ये तो सूचना मात्र है। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि अल्टीमेटली है ना, मैं ही देखने वाला हूँ या शरीर, मैं ही करने वाला हूँ या शरीर, मैं ही भोगने वाला हूँ या शरीर। इस पे कोई रिफ्लेक्शन हो तो आप रख सकते हैं। हेलो। जी हाँ, पहले तो गौरव जी, कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बढ़िया। स्पेशली कल और आज जो चर्चा हुई हमारे ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स जो, उसके बारे में जो आपने स्पष्टता की, बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न एक छोटा सा ये था कि जैसे अक्सर बात होती है कि हमें दृष्टा भाव से देखना है, दृष्टा पद से देखना है, तो दृष्टा का जैसे मैंने जो सुनने में आया कि दृष्टा पद तो जब हमारा आत्मा में अनुभूत होते हैं तो एक्टिवेट होता है, तो ये दृष्टा पद कौन सा वृत्ति में है, उस हिसाब से बात कर, हिसाब यही बात आखिरी भाग नहीं सुनने में आया, कौन दृष्टा आपने कहा पद। कौन हाँ, जैसे आत्मा में अनुभूत होते हैं वो तो एक्टिवेटेड है नहीं हमारी अब इस समय, तो वो दृष्टा पद कहाँ से हम वो बात कर रहे हैं कि दृष्टा पद कौन सा, वही मैं अपना प्रश्न तो को शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया। नहीं, ठीक बात है, उसी को तो जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टा भाव जागृत हो जाए हमारे अंदर, दृष्टा पद में स्थापित हो जाए, अच्छा, तभी हम भोक्ता बने हुए हैं, है ना, कर्ता बने हुए हैं, बट शुद्ध दृष्टा नहीं है। अगर देखने का भी काम कर रहे हैं तो आशा के स्तर पे, विचार के स्तर पर, या अपने संस्कारों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध दृष्टा में क्या हुआ कि अब ये संस्कारों का बोझ नहीं रहा, मानने के आधार पर नहीं, जो मेरी सहज स्थिति है वहां से देख रहा हूं मैं। तो मैं फिर अभी इस पूरे क्रम में जो अभ्यास एक और दो कर रहे हैं, अपने आप में दृष्टा पद में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जागृत नहीं है, उसको जागृत कर रहे हैं। तो जितना जितना हम अपने आप में देखने का प्रयास करते हैं और जितना जितना बाहर का जो प्रभाव है उसको मूल्यांकित करते हैं, उतना उतना हम दृष्टा पद में स्थापित होते जाते हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो हम अपने आप में सहज स्वीकृति के आधार पर देखने का काम कर रहे हैं, दूसरा ब्लॉक B2 में हम अपने संस्कारों का मूल्यांकन करके उससे हम निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे निवृत्त होने का प्रयास कर रहे हैं। तो तो ये जब अभी तक इसलिए हम कह रहे हैं, जी जी आप पूरा कर लीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध दृष्टा के रूप में जब देख रहे हैं ना, तो संस्कारों के साथ जोड़कर नहीं देख रहे हैं, हाँ जी, उसको तो एक तरफ रख के देख रहे हैं, इसलिए तो ये मानने से जी शुरू ही नहीं कर रहे हैं, जी ठीक यहां से शुरू कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता है, हमको देखना है। है। यहाँ हमने यहाँ से शुरू किया कि इतना तो पता है ना, या ये पता है, तो फिर उसको फिर ऑब्जर्व कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, अगर पता है तो दिख रहा होगा, नहीं पता है तो माना हुआ होगा। जी तो ये जब तक हम में जो थोड़ा वो जो परिमार्जन होता है, जब हम देख पाते हैं, तो वो क्या कुछ क्षण के लिए एक्टिवेट होता है, कैसे, मतलब हमें वो कैसे ये तो सामर्थ्य क्षणिक आते हैं। रूप से ही देख पाते हैं, तो आपको क्या अच्छा, होगा, इसमें ग्लिम्सेज मिलेंगे आपको, हाँ जैसे इस पूरे क्रम में कहीं कहीं आपको ऐसे क्षण मिलेंगे
जब ये संस्कारों का है ना बोझ नहीं है, ठीक, आप अपने आप में देख पा रहे हैं, कुछ क्षण ऐसे मिलेंगे, उस क्षण में जो उपलब्धि होगी उससे फिर आशा बनती है कि ये देखना हो सकता है, ऐसे अगर जी देखा जाए तो चीजें दिखाई देंगी। तो अभी तो बहुत ऐसे ही सही होता बात है, अभी हम क्या करते हैं ना कि फिल्ट्रेशन करते करते कहीं जाके हम पहुंच पाते हैं, जी तो भैया जब फिल्टर आउट हो गया और हमने वहां पे जाके देखा और दिखा तो उतना भाग तो स्पष्ट हो गया जितना दिख गया। अब उससे एक आशा भी बन गई कि हाँ अपने को बात स्पष्ट भी हुई कि हाँ देखा जा सकता है। अभी तो हम जिसको देखना मानते हैं वो तो कुछ आस्वादन कर लेना, कोई विचार कर लेना, कुछ मान लेना, यही हम देखना मानते हैं। सही है बट सही है जब सही है चिंतन या बोध की क्रिया जागृत होती है, जितनी भी जागृत होती है ना, तो वहां से हमको पता चलता है कि ये भी पोटेंशियल है मुझ में, तो दृष्टा भाव में स्पष्ट होता है। उसके पहले सहस्र के घर पर हम उसका अनुमान लगाते रहते हैं कि हाँ ये बातों में सहज से स्वीकार हो रही है, यानी ऐसा होगा। इसी संदर्भ में एक और छोटा सा प्रश्न है कि जैसे मैं मतलब ये इसको आप कौतूहल कह सकते हैं कि मैं विचार के स्तर पर हूं या इच्छा के स्तर पर, ये मैं अपने आप को कैसे जांचूं? देखिए, अगर भाव को देख पा रहे हैं तो इच्छा के स्तर पे आप क्रियाशील हैं, बहुत मगर मेरली आप विश्लेषण कर रहे हैं, तुलन कर रहे हैं, तो विचार के स्तर पे ही हैं। तो समान रूप से अगर हम देखें, मानव जाति को देखें, तो थोड़ा आशा से ऊपर उठ के जीता है ना विचार के स्तर पर। अभी जो एजुकेशन दिया जा रहा है ना, उसमें आप देखें तो विचार पक्ष तो हमारा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि बचपन से हम बहुत सारे एनालाइज कर रहे होते हैं, परंतु भाव वाला पक्ष अभी उतना पुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि संबंध की बात नहीं होती शिक्षा में, व्यवस्था की बात नहीं होती शिक्षा में, रियली उसके बारे में विचार करते रहते हैं, इसलिए भाव वाला पक्ष जागृत होने में समय लगता है। तो आप देखेंगे कि सामान्य रूप से समाज की जो स्थिति है, तो लोग विचार तो बहुत सारा कर रहे हैं, विचार के आधार पर बहुत सारा आपस में बातचीत कर रहे हैं, बट भाव वाला पक्ष अभी पीछे रह गया है ना, कहीं अभी दबा हुआ है, उभर के नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारी पूरी ट्रेनिंग विचार करने की है। भाव के साथ देखते हैं तो एक अलग ही क्रम दिखाई देगा जीने का। तो अभी क्या होता है, जो भाव का जो अभ्यास है वो हमको आपसी संबंधों में, परिवारों में है ना, या निकट संबंधों में, उसको हम कुछ सामयिक रूप से देखने का प्रयास कर पाते हैं। उसे कहते हैं भाई अच्छा संस्कार मिला है परिवार से, है ना, या कुछ अच्छा है ना गुण मिले हैं परिवार से, तो अभी इस रूप में चलता रहता है। तो विचार वाला भाग तो हम लोग का पुष्ट हो जाता है, भाव वाले भाग को पुष्ट करने के लिए तो अपने में काम करने की जरूरत है। अब जैसे जैसे ये पूरा जो अभ्यास है ना और इसके आधार पर जो जीना है वो शिक्षा में आएगा, तो बच्चों का बचपन से ही भाव पुष्ट होने लगेगा, सही जी भाव जी स्थापित होने लगेगा। बहुत सुंदर भैया, बहुत ही बढ़िया। मुझे अभी जैसे आप पर स्नेह आ रहा है तो मैं इच्छा पर इस समय क्षणिक रूप से इच्छा में हुआ जी, तो बढ़िया जी बेटा धन्यवाद। बढ़िया भैया, समय भी हो चला है, तो आज असाइनमेंट के रूप में इतनी बात रखेंगे जो सामने है, और अभी दीदी अनाउंसमेंट्स कर लें, फिर हम लोग क्लोज कर लेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भैया इस इंटरेक्टिव सेशन के लिए। तो लीव करने से पहले चैट बॉक्स में मैसेज है, एक तो अगस्त महीने की ऑनलाइन वर्कशॉप्स अनाउंस हुई हैं। अगस्त में 3 ऑनलाइन वर्कशॉप होंगी, जिसमें कि एक UHV2 इंग्लिश है, एक UHV2 इंग्लिश और 2 इंट्रोडक्टरी, उसमें एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो जुलाई महीने में ऑनलाइन वर्कशॉप नहीं है, पर कि अगस्त की अनाउंस हुई है। और आज वेनसडे है, तो वेनसडे को 7:30 बजे SIP फॉलोअप सेशन होता है, जो कि मेनली स्टूडेंट्स के लिए, पर हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली असाइनमेंट आ रहा है, तो आप उस असाइनमेंट को करते रहें और अपनी रिफ्लेक्शंस को यहाँ पे अगले दिन मॉर्निंग में रखते रहें। तो इतनी बात थी, अभी रोक लेते हैं। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते प्रिया दीदी, हिंदी टीम, नमस्ते। जी नमस्ते तारा भैया, गोपाल बाबू भैया और सभी साथियों का धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अभी हिंदी सत्र की तरफ बढ़ते हैं, तो सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में।
सभी को नमस्ते। नमस्ते को नमस्ते। जी, नमस्ते तारा भैया, गोपाल बाबू भैया और सभी साथियों का धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अभी हिंदी सत्र की तरफ बढ़ते हैं, तो सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में। सभी को नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। ये असाइनमेंट कल हमने लिया था, इसमें स्टेप 2 और 3 को मिलाकर अपने को देखने की बात थी। तो अभी हम अभ्यास 2 कर रहे हैं। अभ्यास 2 में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और मूल रूप में चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और उसका आशय ये है कि जड़ हमें समझ में आ जाए। तो पहले अभ्यास में हमने चैतन्य को समझने का अभ्यास किया, दूसरे अभ्यास में हम जड़ को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। और जड़ वस्तु जो मुझे सहज रूप से उपलब्ध है वो मेरा शरीर है, तो मैं शरीर का अध्ययन कर रहा हूँ। मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसका अध्ययन कर रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं पूरे जड़ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये असाइनमेंट हमने कर लिया था, स्वयं द्वारा शरीर को दिए जा रहे संकेतों को देखना है। क्या मैं ये संकेत हर क्षण दे रहा हूँ या कभी कभी, इसको कल हम लोगों ने पूछा भी था और रिस्पॉन्सेस भी लिए थे। इसको हम बार बार देखें कि जो मैं शरीर को संकेत देता हूँ वो कभी कभी देता हूँ या हर क्षण देता हूँ। शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना है, क्या मैं इन संवेदनाओं को हर क्षण पढ़ रहा हूँ या कभी कभी। क्या मैं शरीर में होने वाली हर संवेदना को पढ़ रहा हूँ या उनमें से कुछ को। इन संवेदनाओं को पढ़ने का आधार क्या है। दिन में किसी समय किसी कार्य को धीमी गति से करना है और देखना है मैं और शरीर में किस तरह से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। इसके साथ शरीर के साथ अपने आदान प्रदान के दौरान देखें कि क्या करना है, इसका निर्णय कौन ले रहा है, आप स्वयं या शरीर। नियमित गतिविधियों के लिए इसका निरीक्षण करें। तो पूरे इस अभ्यास 2 में अगर हम देखें 7 स्टेप्स हैं और हम विधिवत एक एक स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले स्टेप में मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को हमने पहचानने का अभ्यास किया। किसी शरीर नहीं है, मैं भी हूँ। तो यहाँ ये अपेक्षा नहीं है कि मैं अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग देख पाऊँ स्टेप 1 में ही, है ये तो अपेक्षा नहीं है। परंतु कम से कम ये बात तो ध्यान में आ जाए कि मैं और शरीर दो अलग अलग तरह की वास्तविकताएं होती हैं, सिर्फ शरीर नहीं हूं मैं, सिर्फ जड़ नहीं हूं मैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने माना हुआ है। तो जो हम लोगों ने वर्कशॉप में प्रस्ताव का अध्ययन किया, मैं और शरीर का अध्ययन किया, उससे वैचारिक स्तर पर बहुत सारी बातें अपने को स्पष्ट हुई। स्वयं तो में जांचा, तो ये बात सहज से स्वीकार भी हुई और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने मैं और शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं को, क्रियाओं को, रिस्पॉन्स को देखने का अभ्यास किया। अपने अंदर एक स्वीकृति बन गई है, हाँ मैं और शरीर दो अलग चीजें। बहुत तरह से हमने सूचनाएं भी ली हैं, इससे पता लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मानव जड़ मात्र है, शरीर मात्र है। तो अब उसको हम प्योर ऑब्जर्वर की तरह देखने का अभ्यास कर रहे हैं। स्टेप 2 में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो दिखता है कि मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचना का ही आदान प्रदान होता है। तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ, जो एक सूचना है, शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के आधार पर संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं और उन संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ, और है ना, ये भी एक सूचना है। और ये भी दिखता है कि शरीर को जो मैं संकेत देता हूँ, संवेदनाओं को जो मैं पढ़ता हूँ, आवश्यकता अनुसार समय अनुसार मैं करता हूँ, हर क्षण कर रहा हूँ ऐसा नहीं। तो आप इसमें एक गुणात्मक अंतर देखेंगे कि मुझ में जो कुछ भी हो रहा है वो हर क्षण हो रहा है ना, निरंतर हो रहा है। परंतु मेरा यदि जड़ के साथ कोई आदान प्रदान हो रहा है तो सामयिक है, ये बात हमको स्पष्ट होगी जितना जितना हम इसको अपने आप में अध्ययन करेंगे, ये बात स्पष्ट होगी। तीसरी बात कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है इसका निर्णय मैं कर रहा हूँ, इसको भी हम लोग देख रहे थे। और इसमें भी बात ये हुई थी, इसको ओपनली ऑब्जर्व करें, मानने से शुरू ना करें कि मैं ही करता हूँ। तो इस पूरे अभ्यास में आप पाएंगे कि देखने का अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है, विचार में किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सहज रूप से पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है, ना पहुंचे परेशान होने की जरूरत नहीं।
अपने देखने के अभ्यास को और तीव्र बनाएंगे और सूक्ष्म बनाएंगे। जितना बारीकी से देखेंगे उतना हमें वास्तविकता और स्पष्ट होगी। फिर आपको ये भी दिखाई देगा कि बहुत सारी बातें आपको अपने आप में स्पष्ट होने लगी हैं, अगर आप मूल प्रक्रिया को सुनिश्चित कर पाते हैं, प्योर ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं। अगर आप देखें तो सत्य को लेकर, ज्ञान को लेकर जितने भी प्रस्ताव आए परंपरा में, जिस प्रकार से भी भाषा बनी, अल्टीमेटली कैसे बनी, तो लोगों ने शुद्ध दृष्टा के रूप में देखना शुरू किया। जब देखा तो दिखा, अस्तित्व तो दिखा, प्रकृति दिखा, स्वयं को देखा, शरीर को देखा, जड़ को देखा, चैतन्य को देखा। तो मूल बात तो वो है कि हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में स्थापित हो जाए तो सहज रूप से हम निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। तो ये अभ्यास अपने को करना था। तो कल जो आप लोगों ने अभ्यास किया होगा कि निर्णय कौन ले रहा है उसको लेकर यदि कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई बात ध्यान में आई हो, कोई प्रश्न बना हो, उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम उन प्रश्नों को ले लेते हैं जो आपके कल के असाइनमेंट से जुड़े हैं जी। उसके बाद इससे जुड़े हुए और भी कुछ अगर प्रश्न बनते हैं, कुछ कौतूहल के प्रश्न होंगे उनको भी ले लेंगे। तो पहले उन प्रश्नों को ले लेते हैं जो कल के ऑब्जर्वेशन से जुड़े हैं जी। रौनक वरु जी इससे तो मेरा कौतूहल का प्रश्न है कि जो अपने शरीर के अंदर मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो तो अपने आप सब जो ऑर्गन जो काम कर रहे हैं वो सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें मेरा तो कोई निर्णय नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें कुछ आप किस तरह से जी, इस पर देखेंगे? कभी बात हुई थी कि मेरी स्वीकृति बनी हुई है तो मैं उसे कोशिका को पचाने का निर्णय नहीं दे रहा हूँ, भोजन को पचाने का, परंतु मेरी स्वीकृति है कि हाँ खाना स्वास्थ्य के अर्थ में है, इसे इसे खा लिया जाए। इस स्वीकृति के साथ शरीर अपना काम कर रहा है। ओके अगर तो इस स्वीकृति आपने नहीं दे सारे ऑर्गन जो अपना हिसाब से काम कर उसमें मेरी स्वीकृति तो है ही, बराबर है। जी, तो स्वीकृति भी तो आपका निर्णय है। तो आप देखिए, कोशिका को अपने अनुसार चला नहीं रहे हैं, एक एक अंग को अपने अनुसार चला नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप हार्ट को हर बार बीट कर रहे हैं, है ना, या लंग्स को हर बार एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्राण कोशिकाओं में प्राण क्रियाएं हो रही है, परंतु उसकी स्वीकृति बनी हुई क्या ठीक है। जैसे भोजन ले रहे हैं, आपको ये पता है कि घर का बना हुआ भोजन है, स्वास्थ्य के अर्थ में आप ले लेते हैं। कहीं बाहर खा रहे हैं, है ना, और किसी ने बता दिया कि यहाँ पे भाई सफाई का ध्यान नहीं रखते, कई बार उल्टी सीधी चीजें मिलावट मतलब मिली हुई पाई गई है खाने में। अब आपको वोमिटिंग जैसा लगने लगता है, खाना भी खा रहे थे और अभी वोमिटिंग लगने लगा, या कोई कह दे कि इस भोजन में विष मिला हुआ है। अब आपका पूरा प्रयास होता है कि ना पचे, बाहर निकल जाए। आप दौड़ के जाएंगे, है ना, वोमिट करेंगे, क्लियर करेंगे, जितना भी अंदर गया उसको सब बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, पानी पीकर जैसे भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब स्वीकृति नहीं रहेगी, पच जाए। एकदम ठीक है, शुक्रिया। बढ़िया भैया। बसंत कुमार जी नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते। भैया ये जो एक्सरसाइज है इसमें जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मेरा हाथ मुंह पे चला गया, तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ा, मुझे ऐसा कोई थॉट या ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि यहाँ मैं कोई इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ मेरा हाथ उठ के ऐसा जाए। स्लो मोशन में मैंने करके देखा हाँ, तो पर उस टाइम तो मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें नहीं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ मेरा पीछे चला गया, तो इसमें ये कैसे देख पाए कि हाँ मैंने ही ये इसको डिसीजन लिया है कि मेरा हाथ, उसमें ऐसा कुछ थॉट या ऐसा कुछ नहीं पता लगता मुझे। एक तो ये था भैया, और बहुत सारी एक्टिविटी जैसे एक फाइट फ्लाइट की होती हैं, कोई एकदम से कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ऐसी होती हैं, तो उसमें भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। या कई बार जैसे कोई छिपकली है, कल ही मेरे ऊपर एक छिपकली टूट गई, पर एकदम से पैर झटकने का जो डिसीजन है उसमें मतलब क्या कोई थॉट गया या ऐसा कुछ हुआ वो नहीं पता लगता। तो इसके बारे में भैया कुछ बताएंगे? आपके अंदर बहुत सारी स्वीकृतियां बनी हुई हैं जो काम कर रही हैं। जैसे एक स्वीकृति हमारे अंदर है ही कि जीना है। जीने का मतलब शरीर को बनाए रखना है, शरीर को बचाए रखना है, संरक्षित रखना है। तो जैसे छिपकली हमारे ऊपर गिरी, ठीक है ना, तो
हमारे अंदर एक भय उत्पन्न हुआ कि कहीं काट न ले या कुछ ऐसा ना कर जिससे शरीर का त्वचा खराब हो जाए। तो उसके साथ फिर हम हरकत करते हैं तो हमारे शरीर के लिए कुछ बिगड़ ना जाए। तो शरीर को हम बनाए रखना चाहते हैं, उसमें जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसे हम बचाना चाहते हैं, वो स्वीकृति हमारे अंदर बनी हुई है। मुझे ये प्रोसेस इतना वैसे फास्ट है, इसके अंदर ऐसा कोई थॉट या ऐसा कुछ, जैसे आप ये इस एक्सरसाइज में हम करते हैं कि हाँ हमें देखना है, हम धीरे धीरे किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, उसमें तो मतलब डेलिबरेटली हमें पता लग रहा है कि हाँ हमने ऐसे एक डायरेक्शन ली, हाथ उठाना है, हाथ नीचे जाना है, बट बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं वो इतने फास्ट हैं कि उसके अंदर नहीं पता। वही तो फास्ट होने का मतलब इतना ही है कि उसकी स्वीकृति बनी हुई है और हमको पता नहीं है और हम उसके अनुसार एक्ट कर जाते हैं। इसलिए हम लोग जो असाइनमेंट जाके धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करते समय आपके अंदर एक विचार उठेगा कि क्या कर रहा हूँ, प्रश्न बनेगा क्यों कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ भाव भी स्पष्ट होगा। ऐसा भी हम सब देखें, हम जितने लोग अभी इस सत्र में हैं, हम शरीर से कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं। आप उसको देखें ये हरकत हम क्यों कर रहे हैं, अच्छा भैया, कोई एक बात कर रहे क्वेश्चन हैं। और था। हाँ एक क्वेश्चन और था इसके अंदर कि जैसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसीलिए बना हुआ है कि हम बाकी और चीजें कर सकें, क्योंकि अगर हम पूरे पूरे दिन में अगर ऐसे देखें तो और काम करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे हमें। शुरुआत में लगेगा कि मुश्किल हो गया है, परंतु यदि इसको आप करते हुए अपनी स्वीकृतियों को देख पाएंगे, फिर उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, फिर उसमें आप ज्ञान को सुनिश्चित कर पाएंगे, तो आप पाएंगे काफी फास्ट हो गया है। इनफैक्ट अभी क्या होता है कि हम तेजी से कुछ काम करते हैं और अंदर में समाधानित नहीं रहते हैं, है ना, कोई दुख क्षोभ विषाद बना रहता है, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर बैठ के हम मिनटों घंटों लगाते हैं। अभी आप थोड़ा सा अपने को ऑब्जर्व करिए, जिस आपके ऊपर कोई स्कैनर लगा हुआ है, तो आप पाएंगे कुछ देर तो हम बहुत फुर्ती में काम करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर कोई दुख खड़ा हो जाता है, कोई परेशानी चिंता खड़ी जाती है, फिर हम बैठ जाते हैं और उसके बाद घंटों लगाते हैं उसके ऊपर, या कोई मिला तो शिकायत करने में हम घंटों लगा देते हैं, ठीक। तो ओवरऑल अगर आप पाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी काफी कम होती है, जबकि अगर हम अवेयर हो जाएं, अपना ठीक मूल्यांकन करें, है ना, ज्ञान समाधान को सुनिश्चित करें, तो आप पाएंगे हमारी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये जो बहुत सारा समय है हम अपने दुख को कम करने के लिए या अपने डिस्कम्फर्ट को, परेशानी को कम करने के लिए लगाते हैं, या लाइफ में बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, इन सब के लिए लगाते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं बनती। और ये जो ऑब्जर्व करना है ना, ये शुरुआत में आपको लगा कि एक डिफिकल्ट टास्क है, बट जब आपके अंदर ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाता है तो आप ऑब्जर्व करते हुए हर काम करते हैं। तो मेरे अंदर कोई भाव उत्पन्न हुआ उसका मुझे होश क्यों नहीं है? मैंने शरीर से कोई हरकत की, मुझे होश क्यों नहीं है? तो मैं पता लगाता हूँ उसको। और उसमें देखिए, शरीर की हरकत महत्वपूर्ण नहीं है, वो संस्कार का दिखना महत्वपूर्ण है। तभी हमारे अंदर संस्कार में बहुत सारा कुछ बैठा हुआ है, हम लोग आगे इसको अभ्यास में जाएंगे तो दिखाई देगा, संस्कार में बहुत सारा कुछ बैठा हुआ है मानने के आधार पर। जैसे अगर हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं, हमने सुना तो हुआ होगा कि शिव शरीर नहीं है, पर हो सकता है जीने में अपने आप को शरीर मान के ही जीते हैं, तो शरीर गया तो मैं गया, ऐसा एक हमारे अंदर भ्रम है, उसको लेकर बहुत सारा भय है, उसको लेकर फिर बहुत सारे हम विचार करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, और उसमें बाधा ना उत्पन्न हो जाए इसके लिए भयभीत रहते हैं, ये सारा कुछ चलता रहता है हमारे अंदर। अगर कभी बाधा उत्पन्न हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। वैसे ही हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, सुख पता नहीं है क्या है, या तो अनुकूल संवेदनाओं से मिलेगा या दूसरे से अनुकूल भाव से मिलेगा। अब जहाँ जहाँ बाधा उत्पन्न हुई है उसके लेकर बहुत सारे रिएक्शन पाले रहते हैं। तो आप पाएंगे जितना जितना हमें समझ सुनिश्चित होता जाता है, सही भाव सुनिश्चित होता जाता है, हमारा समय का सदुपयोग, शरीर का सदुपयोग, साधनों का सदुपयोग, संबंधों में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी, सब बढ़ता जाता है। जी भैया, मतलब जितना सजगता से अवेयरनेस से जिएंगे उसमें एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम ज्यादा फोकस्ड होंगे किसी चीज। बिल्कुल।
देखिए अभी हमारे लिए क्या हाँ कर रहे हैं ये हमको स्पष्ट नहीं है, तो अपने मानने के आधार पर कुछ करते हैं, फिर उसका दुख पाते हैं, फिर दुख को कम करने के लिए बहुत सारा समय लगाते हैं। अब अभी आप देखिए कॉरपोरेट में लोग 11-11 घंटे काम करते हैं, 5 डेज अ वीक, ठीक, और उसमें बहुत सारा अपने ऊपर लोड लेते हैं, परेशान होते हैं, फिर फ्राइडे को जाएंगे और पार्टी करेंगे, है ना, दोनों वीकेंड पे खूब मौज मस्ती घूमना फिरना करेंगे। ओवरऑल देखिए तो 5 दिन हमने 11-11 घंटे काम किया, ठीक है ना, और 2 दिन हमने खराब किया, तो ओवरऑल कितना काम किया हमने, वही अगर हम सहज भाव से करेंगे तो कुछ सार्थक ही करेंगे और उसको बराबर करते रहेंगे। जी भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया भैया, चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है आपका प्रश्न इंग्लिश सेशन में था, अगर आप कुछ रखना चाहें तो हैंड रेज्ड है आपका। नमस्ते भैया, जी नमस्ते नमस्ते। भैया, सभी को नमस्ते। ये एक प्रश्न बन रहा है भैया, जी तो तभी हमें हैंडल किया था भैया, और भी अभी टाइम मिला है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं भैया, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 स्टेप्स सभी कर रहे हैं। उसका मेन हम उस रुझान की ओर जा रहे हैं भैया, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, ऐसा मुझे कुछ भास हो रहा है भैया। जी इसका अर्थ भी क्या है कि अभी शरीर हमारे एक बाध्यता है, क्योंकि तो हमारे अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित नहीं हुआ है, सही समझ सही भाव सुनिश्चित नहीं हुआ है, तो शरीर मेरे लिए एक बाध्यता है। तो शरीर होगा तभी तो संवाद करेंगे, तभी तो जांचेंगे परखेंगे, है ना, संवाद के माध्यम से और जी कर देखेंगे। अगर ये काम पूरा हो जाए तो फिर शरीर मेरे लिए बाध्यता नहीं है। तो अभी जब तक ये शरीर मेरे लिए बाध्यता, मैं परतंत्र तो हूँ ही, तो मैं शरीर पर निर्भर हूँ अपने सुख के लिए, चाहे इससे मैं संवेदना पाके सुखी होने जाऊँ या इसके माध्यम से ज्ञान सुनिश्चित करने जाऊँ, मैं अभी शरीर पर निर्भर हूँ तो परतंत्र तो हुई। तो एक बार ज्ञान सुनिश्चित हो जाए पूर्णता में और उसको हमने जी कर देख लिया, फिर ये परतंत्रता चली गई, उसी को कहा कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब परतंत्र नहीं है, अब शरीर लेंगे तो इस, है ना, पूरे अस्तित्व में प्रकृति में भागीदारी के अर्थ मिलेंगे। तो अगर हमको दिखता है कि समाधान सुनिश्चित हो गया, मैं समझ गया, तो अब हम शरीर लेंगे तो संबंधों के निर्वाह के लिए, व्यवस्था में भागीदारी के लिए, मानवीय परंपरा के लिए लेंगे, अभी वो ऐसा नहीं है, अभी तो हम बाध्य हैं, नहीं लेंगे तो दुखी रहेंगे। वहां क्या हो गया, सुखी हो गया, निरंतर सुखी हो गया, अब अपना च्वाइस रह गया। तो इसी को कहा कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ भैया, इसकी इसको ऐसे भी समझे भैया, सुख सुख दुख समत्व देखने का भी एक ये बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है। है ना, समत्व का मतलब ही क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना। हाँ, एज ए प्योर ऑब्जर्वर हम वही कर रहे हैं भैया। भैया जी मतलब अब हम स्ट्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस निरंतर रहे, और दुख दुख भी आ रहे जा रहे भैया, वो समत्व की स्थिति को भी हम वैसे ही कैसा वही मोक्ष समत्व मोक्ष मतलब जो वस्तु जैसा। जैसी है उसको वैसा। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, शरीर से मुझे सूचना मिल रही है, अब सूचना को मैंने सुख मान लिया, ये गलती हो गई। मूल रूप में क्या गलती हो रही है, अगर इस पूरे अभ्यास 2 को देखें तो ये हमको समझ में आता है कि सूचना है सुख नहीं है, जो भी संवेदना आ रही है बाहर से वो सूचना है सुख नहीं है, चाहे दूसरे से मिलने वाले व्यवहार के आधार पर सूचना मिलती हो, शरीर में होने वाली घटना से सूचना मिलती हो, ये सूचना ही है। तो समत्व तो कहाँ रहा, तो हमने इसका अधिमूल्यन कर लिया या अमूल्यन कर लिया, इस सूचना को मैंने सुख मान लिया, यही मूल गलती है। तो हाँ जब भैया, मैं वो तो समझ संस्कार पाता हूँ, संस्कार वश हो रहे भैया। जी, तो जब मैं समझ पाता हूँ तो मैं सूचना को सूचना के रूप में देखता हूँ, यही समत्व है ओह, एज इट इज, थैंक एज इट इज। यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बढ़िया भैया, स्मृति जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। भैया मेरा मुझे ये पूछना था कि मैं अपने बॉडी में होने वाले संवेदनाओं को देख पा रही हूँ
और उनको कुछ हद तक, मतलब पहले भी मैंने ये वो किया था, कोशिश की थी, कंट्रोल भी कर पाती हूँ, लेकिन इमोशंस की बात जब आती है, जब स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, जैसे कि अचानक से कोई बहुत अच्छी खबर मिली, या हमें किसी ने अचानक से बहुत ही कड़वा कुछ बोल दिया या डांट दिया, तो उस टाइम पे एक आंसू का आना मुझे लगता है बहुत नेचुरल है, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। और अगर उसको मैंने किसी भी तरह बहुत वो करके अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन कुछ भी होता है जो कि सहज नहीं है मेरे लिए। तो इसको किस तरह से मैं लूं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ये हो सकता है? क्योंकि इमोशंस, जब स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, तो मुझे लगता है नेचुरली बॉडी रिएक्ट कर जाती है। देखिए, पहली बात तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मतलब मैं अपने को पढ़ के, जैसे मैं सोचू ना कि कंट्रोल नहीं, मतलब कि हाँ, मतलब मैं देखकर ये सोचू कि हाँ नहीं, अगर किसी ने मुझे कुछ बोला है तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, पर वैसा नहीं होता है भैया। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं आना चाहिए, वो तो जैसा है वैसा आएगा ही। अगर उनमें स्पष्ट नहीं है तो उसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा ही। उस समय में स्पष्ट नहीं है, प्रभाव को रोकेंगे तो शरीर में फिर दुष्प्रभाव दूसरे तरह का पड़ेगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि भाई हमने दुख है अंदर, उसको रोक लिया तो आंसू तो नहीं निकले, बट हार्ट पे लोड बढ़ गया, है ना, हाँ तो हार्ट अटैक हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा करने अच्छा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, अच्छा आवश्यकता इस बात की है कि हम ठीक से समझ लें। जैसे अभी दूसरे व्यक्ति का हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, राइट इवेल्युएशन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो आशा होती है उस संबंध में उस रॉन्ग इवेल्युएशन पर बेस्ड होती है। तो अगर हमको पहले से दिखाई दे कि अगले व्यक्ति में सही समझ, सही भाव नहीं है या पूर्णता में नहीं है, तो गलती तो करेगा ही, और उसके पूर्व के आचरण को देखकर हमारे अंदर ये एक संभावना भी हो सकती है कि हाँ, ये व्यक्ति कभी भी अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है या गलत व्यवहार कर सकता है, अपमान कर सकता है, ये मुझे पहले से स्पष्ट है। तो जितना वो कर पा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, नहीं तो हमको तो स्पष्ट है कि नासमझ आदमी तो गलती कर ही सकता है। ये भी दिखाया था कि हम में भी समझ का अभाव है, हम भी गलती करते रहते हैं। तो अगर हम इस स्पष्टता के साथ जीते हैं तो फिर अगला व्यक्ति जैसा भी व्यवहार करता है उसका तक्षण मूल्यांकन हो जाता है। और अगर हमको ये दिखता है कि इंटेंशन अगले व्यक्ति का सही ही होता है, ठीक है ना, समझ की कमी होती है, तो फिर हमको ये समझ में भी आता है कि अगला व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, और उसके साथ मुझे अपनी भागीदारी भी दिखती है कि अगले व्यक्ति कॉम्पिटेंस को कैसे बढ़ाना है। राइट इवोल्यूशन के साथ, है ना, हमको अपनी भागीदारी भी स्पष्ट होती है कि अगले व्यक्ति को कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसकी योग्यता बढ़ानी है। तो अभी क्या ओके हुआ, अगर इसको आप वो घटना का इंतजार भी ना करें, अभी आप बैठ के अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं या जिनके साथ इस संबंध में कहीं कठिनाई आ रही है उनका मूल्यांकन करें, तो आप पाएंगे तो उनको कहाँ स्पष्ट है सब चीजें, मैं शरीर, है ना, संबंध जी, व्यवस्था सब चीज नहीं स्पष्ट है। ये तो पहले से ही है कि वो कहीं ना कहीं संबंध में विरोध का भाव उनके अंदर बनेगा ही। सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट नहीं होगी तो समृद्धि का भाव रहेगा नहीं, सुख स्पष्ट नहीं है, हारमोनी स्पष्ट नहीं है, तो दुखी अपने आप में रहेंगे, कम रहे, ज्यादा रहे, आज रहे, कल रहे, है ना, ये अलग बात है। अब ये जो सामयिक रूप से हम सुखी भी होते हैं वो एक एक्साइटमेंट ही है, बाहर से कुछ अनुकूल संवेदना मिल गई, अनुकूल भाव मिल गया तो कहते हैं सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए, अंदर देखते हैं तो मिलता नहीं है स्रोत उसका। तो अभी हम देखें तो हमारे अंदर सुख का स्रोत अगर नहीं है तो उसका दुख तो हमेशा ही बना रहता है। बीच बीच में बाहर से कुछ अनुकूल मिल जाता है तो सामयिक रूप से हम एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी को हम सुख का नाम देते हैं, जबकि अभी जो बात हो रही थी वो सुख नहीं है, सूचना है। अगर हाँ, ठीक से यस देखें तो बाहर से जो मिल रहा है वो सूचना है, सुख नहीं है। तो सूचना और सुख के बीच के अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है अपने लिए। लेकिन सूचना से सुख मिल रहा है ना भैया? वही, उसको हम सुख नाम दे रहे हैं, उसको अर्थ दे रहे हैं हम। और उसमें भी बेसिकली अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें, सुख भी नहीं है वो, हमारा दुख कम हो रहा है उस समय। जैसे अगर हम अपने आप में होते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जी बाहर से सूचना को आप हटा दीजिए, ठीक, थोड़ी देर के लिए अगर कल्पना में भी हटा दीजिए, और अपने अंदर सुख के स्रोत को देखें तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो जी हम तो उसके अनुसार व्याकुल अपने आप में हैं ही,
क्योंकि अंदर सुख का स्रोत नहीं है। अब क्या करें, उस व्याकुलता में हम बाहर भागते हैं, तो जी बाहर से सूचना जुटाते हैं और उसी को सुख का नाम दे देते हैं। मूल मुद्दा तो इतना ही है, तो जी अनुकूल जी बना रहता है तो हमको लगता है सुख मिल रहा है, उसे परिवार में सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हमको बड़ा सुख लगता है। कल बुरा व्यवहार हो गया तो लगता है कि बड़ा गलत हो गया, दुख हो गया। बट सुख का स्रोत अगर भीतर नहीं है तो पहले से हमको स्पष्ट रहता है कि ये तो सामयिक है, आज अच्छा व्यवहार है कल बुरा हो सकता है। तो अगले व्यक्ति के साथ जो हमारी आशा होती है फिर इस समझ के साथ ही होती है, जब हमारे अंदर सुख का स्रोत नहीं बना हुआ है तो हम कहीं ना कहीं बाहर से सूचना लेकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। वो सूचना कभी अनुकूल होगी कभी प्रतिकूल होगी। सूचना को सुख माना ये मेरी ना समझिए। ओके ठीक है भैया। भैया मुझे बस ये पूछना था, जब हम कहते हैं कि हम अपनी बॉडी को एक मतलब जैसा इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, और तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर मेरे स्ट्रांग इमोशंस हैं और स्पेशली जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो उसके मतलब वो नेचुरल हो जाता है बहुत, और मुझे लगता है ये बॉडी अपने आप कर रही है, इसमें मेरा मेरा कुछ खुद का कोई रोल नहीं है, तो वहां पे मैं कैसे अपने आप को मतलब कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कंट्रोल करना। वही, इसलिए मैंने पहला वाक्य यही कहा कि कंट्रोल नहीं करना है, अपने में सुख के स्रोत को सुनिश्चित करना है। जब दुख होगा ही नहीं तो निकलेगा क्यों? अच्छा अब दुख ओके है और निकलने नहीं देंगे तो उसका अपने ऊपर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, शरीर पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी तो अपने ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस तरह से कि हम बहुत सारे विरोधाभास से भर जाएंगे, है जी ना। मूड पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तो बहुत सारा हम ओवर थिंकिंग करेंगे। ओके शरीर पर ओके प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उससे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, है ना, सब जी प्रभावित जी होगा। तो उसको तो ज्यादा ठीक है कि निकल जाने दिया जाए, भले ही व्यक्तिगत रूप से निकल जाने दे, सामने ना जी जी निकाले, ठीक है ना। परंतु वो समाधान नहीं है, समाधान तो यह है कि हम अपने अंदर सही समझ, सही भाव सुनिश्चित करें। उसी के लिए तो दोनों अभ्यास कर रहे हैं। जी समझी भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी, रविंदर कुमार जी। रविंदर नमस्ते कुमार भैया, जी नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया अभी जो बात कर रहे थे कि शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसमें पिछले मतलब कुछ दिनों से ना, जैसे मेरे कजिन सिस्टर थे तो उनको कैंसर बता दिया। 45-46 साल उनकी उम्र थी, तो 3-4 महीनों 9 महीना उनकी मतलब डेथ हो गई। हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह भी कर दिया और ऐसा लग रहा था उनके मतलब चेहरे को देख के कि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो गए। और इसी प्रकार से मेरे अंकल थे, वो मतलब 2 मिनट के अंदर ही उनको ये हार्ट अटैक वाला हुआ, और 2 मिनट के अंदर सामने डॉक्टर भी बैठे थे और हम भी भाग के उनके पास पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके, वो उनका भी शरीर चला गया। तो इसको हम भैया कैसे देखेंगे कि शरीर कैसे छोड़ना चाह रहे हैं फिर? देखिए, छोड़ना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, परंतु शरीर की ऐसी स्थिति बन गई जब शरीर को चला नहीं सकते, जैसे हार्ट सीज कर जाए, अब क्या कर लेंगे, है ना। तो जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो, है ना, शरीर चलेगा कैसे। तो शरीर छोड़ना नहीं और चाह रहे, परंतु शरीर की ऐसी स्थिति बन गई कि शरीर अब मेरे संकेतों को ले नहीं रहा है, तो क्या कर लेंगे फिर। अच्छा ठीक है, ठीक, देखिए, हम ऐसा ही तो जीना ही मतलब चाहते हैं। हाँ जी, हम तो जीना ही जी चाहते हैं, सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, परंतु अभी जीने में सुख नहीं बना हुआ है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव शरीर पर पड़ता रहता है। वैसे अगर शरीर के प्रति संयम का भाव नहीं है तो शरीर में फिर बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं। और तीसरी बात कि शरीर की अपनी एक आयु भी होती है, एक उम्र के बाद शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। तो अगर समझ के साथ देखते हैं तो दिखता है कि शरीर की अपनी एक आयु होती है, उसके बाद वो शरीर साधन के रूप में काम नहीं कर पाएगा। हम सहज भाव से शरीर को छोड़ देते हैं फिर, जब भी एक सीमा आ जाती है कि हाँ, अब शरीर काम नहीं कर रहा। जी जी भैया, जी भैया ठीक है जी। बढ़िया भैया। सुधीर जी,
सुधीर शर्मा जी। जी जी प्रणाम भैया जी, जी, प्रणाम। नमस्ते सभी को। भैया ये जो 2-3 दिन से विचार प्रक्रिया चल रही है शुद्ध दृष्टा बनने के लिए, और पिछले सेशन में भी सुना था यूएचबी के लास्ट, उसमें भी तो उस तरफ थोड़ी सी प्रगति है और थोड़ा सा समझने का वो है। एक तो सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि एक शरीर हमको सुंदर साधन मिला हुआ है व्यवस्था को समझने के लिए कि हम अपनी, दूसरा आया है कि सामंजस्य में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि इस आपसी तालमेल जो है ना, इसमें पता लगा कि निर्णय प्रक्रिया कैसे चलनी चलनी है शरीर और मेरे बीच में, और हु इज द मास्टर, कौन चीज को कमांड देगा। इसके दो छोटी छोटी, तो हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी उपलब्धि है, वो बताऊंगा, और थोड़ा सा आगे का उसमें समझना चाहूंगा भैया। तो उपलब्धि तो यह है कि जैसे होता है ना इंसोम्निया की समस्या, हमको नींद नहीं आती रात को, तो मैसेज देना आ गया कि भैया आप सो जाओ, आपको रेस्ट की जरूरत है, और अब हम दोनों रेस्ट करते हैं। तो पहली चीज तो ये समझ में आई। दूसरा, जैसे घर ऑफिस में लोग चाय वगैरह पीते हैं तो उसकी तलब हुआ करती थी पहले कि कोई आ रहा है तो उसको हम ऑफर कर रहे हैं तो खुद भी साथ में ले रहे हैं कि हाँ चलो मैं भी ले लेता हूँ। मन में विचार तो हमेशा बना रहता कि चाय नुकसान करेगी शरीर को, लेकिन अब यह हो गया कि अब चाय बिल्कुल पिछले 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही बंद है। पहले सिर दर्द हुआ करता था, याद आती थी चाय की, और वो सब अब उस पर समझ में आ गया कि ये नहीं करना है, ये कमांड देने का, ये कमांड देना ही कहेंगे इसको, वो हो गया है। जैसे जो थकान होती थी, थकान में भी अब कुछ अपने आप को समझाना आया कि जैसे स्पोर्ट्समैन नहीं करते अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं कि इससे आगे और कुछ अचीव करना है, तो उस थकान के मैसेज को समझाना शरीर को कि हाँ ठीक है थक तो गए हो क्योंकि आप जड़ हो, आप एक चीज हो, है ना, आप उसमें अपनी क्षरण और उसका वो होगा ही, लेकिन उसको आगे, उसको पुश करना, लिमिट को पुश करने में इस प्रक्रिया का बड़ा योगदान रहेगा मुझे ऐसा लगता है आगे भी शरीर। हाँ ये वाली चीजें हुई भैया। इसके अलावा जो आगे जो समझना है, जैसे अभी भैया ने भी कहा कि शरीर जो बीमार पड़ गए और काफी बड़ी, जैसे मेरे साथ भी लास्ट ईयर एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मुझे शॉक लगा था बड़ा तेज कि मैं अपना फिट समझता हूँ और रीढ़ हड्डी में चोट लग गई है, उसमें एक नुकसान हो गया बड़ा, इंजरी आ गई बड़ी सारी, लेकिन उसको अब उसको समझना, उसके साथ सामंजस्य बैठाने में इसमें मदद मिलेगी इस प्रक्रिया से, इस विचार प्रक्रिया से। अभी जो थोड़ा सा आगे का है, हालांकि जवाब तो है मेरे पास में और मिल भी जाएगा ढूंढेंगे, तो जो थकान और डिप्रेशन है भैया, इस पर थोड़ा सा और इसमें मिलेगा आपका डायरेक्शन मिलेगा तो और फायदा होगा इसमें भी। जी, तो ये जो थकान हो रही है या समस्या हो रही है उसके मूल में देखें तो ये कि हमारे अंदर बहुत सारा भी संस्कार बना हुआ है जी। जो समझ पे आधारित नहीं है। और वैसे आप देखें तो हर मनुष्य अपने संस्कारों के साथ ही संघर्ष कर रहा है, क्योंकि तो हमने जो भी सुख के बारे में माना हुआ है, समृद्धि के बारे में माना हुआ है, स्वास्थ्य के बारे में माना हुआ है, संबंध के बारे में माना हुआ है, व्यवस्था के बारे में, उसके अनुसार हम निर्वाह कर रहे हैं। और जो माना हुआ है वो जानने के आधार पर नहीं है, तो उसी पे तो काम कर रहे हैं। तो जितना जितना हम इस ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे उतना उतना जी जो वास्तविकता है हमको स्पष्ट होगी, और जितनी जी वास्तविकता स्पष्ट होगी हमारे अंदर सुख का स्रोत स्थापित होगा, और जितना सुख का स्रोत स्थापित होगा ये बाहर पे जो निर्भरता है सुख की वो कम होती जाएगी। ये हमको दिख भी रहा होगा धीरे धीरे, जैसे अभी आपने जो उदाहरण लिए उसमें दिखता है कि जो बाहर एक निर्भरता थी हमारी वो कम होती जा रही है। ठीक जी भैया जी बात है ना, तो शुरुआत में तो ये होगा निर्भरता कम होगी, फिर धीरे धीरे जैसे ब्लॉक V1 की क्रियाएं जागृत होने लगती हैं तो हम जी स्वतंत्र होते जाते हैं, तो निर्भरता कम बिल्कुल होती जाती है, कम होती जाती है, और हम फिर धीरे धीरे अपने में स्वतंत्र होते जाते हैं, तो वो रिडंडेंट हो जाता है फिर, और निर्भरता बची ही नहीं, पहले कम हो रही थी अब बची ही नहीं। तो इस पूरे क्रम में देखें तो उपलब्धि ये तो है कि निर्भरता हमारी कम हो रही है, दूसरे से अनुकूल भाव पाकर जो सुखी होने में लगे हुए थे, अनुकूल संवेदना पाकर जो सुखी होने में लगे हुए थे, उस पर निर्भरता हमारी कम होती जा रही है। अब वो देखने में आ जाए एक शुद्ध दृष्टा के रूप में तो सुख का स्रोत स्वयं स्थापित हो जाएगा, फिर स्वतंत्र हो जाते हैं, जी जितना भैया, दिख उसमें जाता है बताएंगे उतने में तो स्वतंत्र हो जाते हैं। जी जी। शुद्ध दृष्टा शब्द सुना था और उसके वो कैसे बनेंगे ये तो भी पता नहीं, आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ। बाकी इन स्टेप से जरूर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अपने आपसी सामंजस्य तालमेल और आदान प्रदान, सूचनाएं और संवेदनाएं जो है ना भैया वो समझ में आ रही है। जैसे मैंने भी नींद का उदाहरण लिया तो सभी के काफी काम आ सकता है ये कि हम अपने शरीर को मैसेज दे सकते हैं कि हमें अब सो जाना चाहिए, और उससे फिर आगे विचार प्रक्रिया को हम अपनी शट ऑफ कर सकते हैं, पूरी शट ऑफ तो नहीं होती लेकिन हाँ उसको डिम कर सकते हैं और उससे हमको मदद मिलती है। तो एक छोटा सा स्वतः एक
सामंजस्य के साथ वो फायदा शरीर को विश्राम करने का जो समय होता है, तो उसमें देखिए अभी उसके क्या लिए फिर गोली होता है खानी ना कि चाहिए। सही समझ सही भाव के अभाव में अभी हम जी शरीर को बहुत ज्यादा टैक्स करते हैं। जैसे जी आप पाएंगे हम अगर ओवर थिंकिंग करते हैं जी तो हमारा मेधा थकता जी हाँ है। अब ओवर थिंकिंग ना हो तो मेधा थकेगा नहीं, तो बिल्कुल सही जी ये नींद नहीं आने का एक मेजर कारण है ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। दूसरा कारण है कि हम शरीर से श्रम नहीं करते हैं तो शरीर थका ही नहीं तो सोएगा क्यों जी तो ये भी है। तो जी अभी हमारा जी जो दिनचर्या बन गया है कि वो है कि शरीर से हम श्रम बहुत कम करते हैं, ठीक है ना, और अपने आप में हम बहुत सारा विचार के स्तर पे काम करते हैं, भाव स्पष्ट नहीं रहता है, समझ सुनिश्चित नहीं होता है, तो इसलिए अपने आप में तो हमारी परेशानी होती है, शरीर के साथ निर्वाह में भी परेशानी होती है, जी और उसके साथ अगर हम भाई बहुत सारा उल्टा सीधा कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, भोजन शरीर बिल्कुल में डाल रहे हैं, वो एक नई समस्या है। तो अभी हमारा जीने का ढर्रा ही ऐसा बन जाता है कि जो शरीर का स्वास्थ्य अर्थ में नहीं है वो शरीर में डाल रहे हैं, ठीक, शरीर से जो करने योग्य है वो हम कम कर रहे हैं, है बिल्कुल ना, विहार ठीक से नहीं रख रहे हैं, श्रम कम कर रहे हैं, और अपने आप में हमने मानसिक श्रम काफी बढ़ा लिया है अपने ही संस्कारों के आधार पर। अब हमने 10 जगह से लोन ले लिए, 10 जगह EMI पे करना है, आवश्यकता स्पष्ट नहीं है, अब रात को जब भी सोने जाते हैं तो दिखता है कि भाई ये जॉब तो इनसिक्योर है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि जी EMI कैसे पे होगा, अगर सैलरी इतने तारीख के पहले नहीं आई तो EMI कैसे पे होगा, और कई जगह से तकाजा होगा। तो अभी हमने अपने आप में इतना उलझा लिया है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि सही अब हमारे लिए वो विचार पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो अगर हम सुविधा की आवश्यकता को स्पष्ट कर पाए, संबंध की प्रायोरिटी को देख पाए, संबंध में सहज स्वीकृत भाव को देख पाए, शरीर को साधन के रूप में देख पाए, कि बहुत सारी इच्छाएं अपने आप मूल्यांकित हो जाएंगी, इच्छाएं मूल्यांकित होंगी तो विचार का बोझ कम होगा और शरीर साथ भागीदारी भी स्पष्ट होगी, तो फिर सही ढंग से हम शरीर का भी निर्वाह कर सकते हैं, शरीर के साथ भी निर्वाह कर सकते हैं कि नहीं। तो जी मैं ये कह रहा था आपने भैया भी कि जैसे कि जी हमारे अंदर समझ सुनिश्चित होता जाता है, या कम जी से कम ये जो संस्कार हैं पुराने मान्यता है मूल्यांकित होती जाती है, तो शरीर के स्वास्थ्य में भी एक फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है जी जी भैया, इसको शरीर से शिकायतें करने के बजाय और शरीर से दुखी होने उसको वजन समझने के बजाय, वो एक सुंदर साधन है सामंजस्य के साथ। उसके साथ अगर हम उसको काम में लेंगे ना, तो शायद उसमें आगे हमारी रास्ता अच्छा जाएगा, इस तरह का बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शरीर समझ तो आ रहा है। साधन तो है ही, ये तो जी जितना जल्दी स्पष्ट हो जाए जी उतना आराम मिलेगा अपने आप में, कि नहीं। अभी जी शरीर भैया को स्वयं मान के जीते हैं ना तो हम हमेशा हाँ डरे घबराए रहते हैं, शरीर साधन के रूप में दिखाई दे जाए और अपना कार्य क्यों स्पष्ट हो जाए तो अपने आप में स्फूर्ति काफी बढ़ जाती है। इसी स्टेप से उस शरीर और मैं का जो फर्क है उस वो क्लियर अच्छा अच्छे से, वरना सिर्फ सुन सुन रहे थे अब तक, वो पता नहीं पड़ रहा था कि है क्या उसमें, कुछ कुछ स्पष्टता आ रही है भैया। जी बढ़िया भैया बढ़िया भैया, प्रणाम भैया, धन्यवाद भैया। जी, प्रभात कुमार जी हाँ भैया नमस्ते। प्रभात भैया, हाँ भैया जी, ये पूछना है ना मेरे को कि जैसे जब हम जागृत मतलब जब हम संभल के जीते हैं या सही समझ से जीते हैं तो वो तो सुख का आधार है, तो ये जो सही समझ है ये हर क्षण हर पल क्यों नहीं बनी रहती है। कभी कभी है ना हम जैसे कोई संवेदना मिली वहां डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा क्या अभ्यास ऐसा है क्या करें कि ये हर क्षण हर पल सही समझ में हम जिए। इसमें आप देखेंगे ना तो पाएंगे कि अभी हम विचार पूर्वक ये कह रहे हैं कि सही समझ ही सुख का आधार है, परंतु जब हम दुखी होते हैं अंदर अनकंफर्टेबल होते हैं तो उस समय अगर आप देखें तो हम सही समझ के लिए प्रयास करते हैं या दुख को कम करने का उपाय करते हैं, क्या करते हैं। भैया दुख दुख को कम करने का उपाय ही होता है कि मतलब जो कम दुख है उसमें चले जाएं, कम से कम बड़े दुख से निकल के। वही तो हमको लगता है ये तो बड़ा दूर की बात है, इधर तो मीलों दूर है ये मामला, तो अभी जो हो सकता है वो कर लिया जाए, तो फिर हम अभी इस तरह के जुगाड़ में फिर
काम चला रहे होते हैं। कभी बीच में हमको याद आता है, विचार बनता है कि सही समझ सही भाव से निरंतर सुख है। फिर हम उसको है ना, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु अपने आप में चूंकि सुख का स्रोत बना हुआ नहीं है तो हम परेशान भी होते रहते हैं। तो उस परेशानी को कम करने के लिए कुछ उपाय भी करते रहते हैं। वो ठीक है, उसको कर लें है ना, परंतु इस बात को जांचते रहे हैं कि ये जो हमने उपाय किया उसमें निरंतरता है क्या, निश्चितता है क्या, स्वतंत्रता है क्या, तृप्ति बिंदु है क्या। इसको जितना ठीक से ऑब्जर्व कर लेंगे उतना निवृत्त होने लगेंगे उससे। अच्छा भैया जी, ये तो जैसे ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज में चले गए, पता चला कि निरंतरता नहीं है, लेकिन फिर वही गलती दोहरा देते हैं, तो ये संकल्प सत्य इच्छा बन क्यों नहीं पाती है कि चलो ये गलत हुआ फिर वही गलत काम कर रहे हैं, पता है, ये कहाँ सोचने विचारने में या समझने में गलती हो जाती है? क्योंकि वही सुख लगता है आपको। जैसे हम विचार में कुछ विश्लेषण करके पालें, ये चीज खाना ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है तो चीनी खाना ठीक नहीं है, है ना। परंतु जब कोई मीठी चीज सामने आई तो हमको लगता है अभी तो यही सुख है, अब इसको कहाँ तक हम रोकें दबाएं, है ना। उसके कारण जो परेशानी हो ज्यादा बड़ी है, निरंतर सुख जब होगा तब होगा। अभी तो जो परेशानी हो रही है कि सामने मीठी वस्तु पड़ी है और उसको खा नहीं सकते, वो दुख ज्यादा बड़ा है, तो हम मुंह में डाल लेते हैं। फिर डाल के फिर विचार आता है कि देखो फिर गलती की, कल ही निर्णय लिया था आज फिर गलती हो गई। तो हम तो किसी भी क्षण वही करते हैं जिसमें हमको सुख लगता है। अब हमको ये दिखाई देने में समय लग जाता है कि सही समझ सही भाव से ही सुख है। ये जो भी और ही का अंतर है ना, कि सही समझ सही भाव से भी सुख है या ही सुख है। जब तक ये भी से ही में नहीं गए हैं, है ना, कहीं समाधान का अभाव है। ये भी से ही जाने में समय लगता है, कभी हमको लगता है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कभी ये ठीक है कभी वो ठीक है। जैसा समय जैसी परिस्थिति उसके अनुसार निर्णय लेंगे। तो जितना जितना हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में ऑब्जर्व करते हैं उतना उतना ये भी से ही में शिफ्ट होने लगते हैं। हमको तो दिखता है कि बाहर से जो आ रहा है सूचना मात्र है, सूचना को अर्थ मैंने दिया कि ये सुख है और अर्थ देकर मैं फंसा हुआ हूँ। अगर आप देखेंगे तो हम अपने लाइफ में अगर ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि इन्हीं सूचनाओं को सुख मानकर मैंने अपनी लाइफ को उलझा लिया है। तो उस समय तो सुख लगता है, परंतु उस घर में जो निर्णय लिए, जो निर्वाह किया, जो कमिटमेंट कर दिए बाहर, अब वो हमारे दुख का कारण बना हुआ है बहुत सारा। जी भैया जी, अच्छा भैया जी, इसमें तो काफी मुझे लगता है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो होता ही रहता है कि बाहर गए अंदर आए, मतलब सही फिर संवेदनाओं में चले गए। अच्छा भैया जी, मेरे एक सवाल और है कि ये जो मूल्य हैं वो स्थापित कैसे कैसे होते हैं? जैसे अभी तो मेरे को मूल्यों के बारे में पता चला है, पहचानना शुरू किया हूँ, और कभी कभी वो मूल्य रहते हैं कभी कभी नहीं रहते हैं, जैसे स्नेह का मूल्य हो गया या और कोई हो गया, ये स्थापित कब हो जाते हैं? मतलब कब ऐसे मेरे मैं के अंदर ये स्थापित हो जाए और मैं चीजों से विचलित ना हूं और वो मूल्य परिवर्तित ना हो, ये कब होता है? वही जो हम लोगों ने अभ्यास एक किया ना, तो अगर आप इसके लास्ट स्टेप को देखें, स्टेप 7, तो हम मूल्य को ही स्थापित करने का काम कर रहे थे, सुनिश्चित करें कि मेरे अंदर संबंध का भाव है, व्यवस्था का भाव है, सहअस्तित्व का भाव है, और भी कभी कभी नहीं हर क्षण है। तो अभी स्टेप 1 से 6 ठीक से अगर करेंगे तब जाके 7 पहुंचेंगे। तो कब स्थापित होते हैं अगर पूछें, तो जब उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पाते हैं, तब स्थापित होते हैं। उससे पहले हम उसके आशा में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो भी हमने स्नेह माना हुआ है, जो भी हमने सम्मान माना हुआ है, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। बट जब वो उसका अर्थ ठीक से स्पष्ट हो जाता है, दिख जाता है अपने आप में, सुनिश्चित हो जाता है, तब तो वो बना रहता है। क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसे देखता हूँ ना, कई कई लोगों को कि जिनमें स्थापित हो चुकी है चीजें, मतलब वो कितना भी उनसे उनकी इर्द गिर्द उनके विपरीत हो या उनके अनुकूल परिस्थिति हो, जो भी हो, विचलित नहीं होते हैं, तो इसका मतलब स्थापित हो चुकी है वो चीजें, तो वो अपने अंदर नहीं हो पाते हैं। ठीक है भैया जी, धन्यवाद, बस यही पूछ रहे, बढ़िया भैया। देखिए उसमें दूसरे को भी देखने की जरूरत नहीं है, तो हमको स्वयं में दिखाई देगा। जब हम सहस्तित्व को देखते हैं तो
क्योंकि हमने दूसरे को देखा, हमको लगता स्थापित हो गया। अब किसी पॉइंट पे हमने देखा कि ये भी आवेशित हो गए, तो फिर लगता है इनमें भी स्थापित नहीं हुआ। तो बाहर देखेंगे तो उसमें शंका लगी रहेगी, अपने अच्छा स्वभाव को देख पाएंगे तो निश्चिंत हो पाएंगे। बढ़िया भैया, बढ़िया। तो बात हाँ आगे लेके भैया, चलते हैं। मनोहर जी का हाँ हैंड बढ़िया रेज है बढ़िया, जी, थोड़ा मस्त भैया। कंटेंट पे बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न को लेते हैं आपके। दीदी स्लाइड लगा दीजिएगा। तो हम लोग स्टेप 3 पे अभ्यास कर रहे थे, निर्णय कौन लेता है, और इसको सहज रूप से अपने आप में ऑब्जर्व करना है, मानना नहीं है, है ना। जितना भी समय लग जाए इसको देखना है, देखना है अपने आप में कि संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। तो शरीर को संकेत देने का निर्णय मैं लेता हूँ, संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मैं ही लेता हूँ। जिस संवेदना को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसे पढ़ने का निर्णय लेता हूँ। तो सूचनाओं के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह से मेरा है, ये बात मुझे स्पष्ट हो सकती है, परंतु इसमें भी समय लग सकता है। इसमें ऑब्जर्व करें, हर परिस्थिति में ऑब्जर्व करें। जैसे बात हुई थी कि बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, क्या उसमें भी मेरा निर्णय है, तो ऑब्जर्व करें उसको। ऑब्जर्व करते समय फिर हमको ये भी दिखाई दिया कि शरीर में कुछ क्रियाएं स्वाभाविक रूप से प्राण कोशिकाओं में हो रही हैं, परंतु उसकी स्वीकृति किस प्रकार से मेरे अंदर बनी हुई है। मेरा निर्णय किस प्रकार हर संकेत के आधार में है, मेरा निर्णय किस प्रकार हर संवेदना को पढ़ने के आधार में है, ये हमको स्पष्ट होगा। तो आवश्यकता अनुसार इस आदान प्रदान को मैं करता हूँ ना, सामयिक रूप से काम को करता हूँ, निरंतर नहीं। तो मैं शरीर को जैसा संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है, मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूँ, साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। इसको देखने से आपको शरीर साधन की तरह और स्पष्ट होगा कि ये शरीर साधन है, मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है ना। इसको मैं जैसा चलाता हूँ वैसा चलता है। तो एक प्राणावस्था की इकाई के रूप में अपने आप में क्रियाशील है, परंतु इसको जैसा मैं चलाता हूँ वैसा साधन के रूप में काम करता है। जैसे हर एक कोशिका में क्रियाशीलता बनी हुई है, स्पंदनशीलता बनी हुई है, उसके साथ मैं इसको साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है, और इसको जो बात पहले भी कही जा रही थी कि इस पर सहमत हो जाना या असहमत हो जाना मुद्दा नहीं, मुद्दा तो इसको अपने निरीक्षण में ले आना है, दृष्टा भाव में ले आना है, ये मुझे दिखाई देने लगी। बढ़िया दीदी, नेक्स्ट स्लाइड लगा लेते हैं। तो इसी को देखने के क्रम में हमें बात दिखाई देगा कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो मैं देखता हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को देखने के लिए प्रयोग करता हूँ, 5 इंद्रियों का प्रयोग करता हूँ। तो शरीर से मैं देखता हूँ, तो आंखों से देखता हूँ, है ना, कान से जो सुनता हूँ वो भी देखना ही है, यानी बाहर से सूचना ग्रहण करता हूँ। नाक से कोई गंध मिलती है वो भी देखना है, क्योंकि नाक से मैं सूचना ग्रहण करता हूँ। वैसे जीभ पे कोई चीज पड़ी उसका स्वाद लेता हूँ, ये भी देखना है। त्वचा के संपर्क में कुछ आया उसका भी मैं स्वाद लेता हूँ, वो भी देखना है। तो मैं शरीर का आवश्यकता अनुसार देखने के लिए प्रयोग करता हूँ, देखने का निर्णय मैं ही लेता हूँ, उसका मैं ही दृष्टि हूँ, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ। वैसे ही मैं करने का निर्णय लेता हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को करने का संकेत देता हूँ, मैं ही करता हूँ, और मैं ही हूँ जो सुखी या दुखी होता हूँ, शरीर नहीं। शरीर कटफट गया, कोई तो भौतिक रासायनिक घटना हो गई, खून बह गया, चोट लग गई, घाव हो गया, ये सब शरीर में भौतिक रासायनिक घटनाएं हैं। उससे दुखी मैं होता हूँ, कोई प्रतिकूल संवेदना आती है, व्याकुल मैं होता हूँ, शरीर में कुछ देखकर भयभीत मैं होता हूँ, परेशान मैं होता हूँ। इस सूचना को मैं सुख मान लेता हूँ तो सुखी भी मैं ही होता हूँ, शरीर से तो बस सूचना आई। और मजे की बात देखें तो अभी आपको दिखाई दिया कि सभ्यतागत रूप से ये चूक हो रही है कि हमने सूचनाओं को ही सुख मान लिया है, तो उसी में हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो इसको जितना बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे आपको दिखाई देगा कि मैं ही दृष्टा, मैं ही करता, मैं ही भोक्ता, शरीर तो साधन मात्र है। तो मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर तो एक जड़ इकाई जो साथ में जुड़ी हुई है।
इस जुड़ाव को जितना स्पष्ट कर पाएंगे उतना हमको शरीर के साथ अपनी भागीदारी भी स्पष्ट होगी। जहाँ शरीर से सुख पाने के लिए हम बहुत सारे उपक्रम बनाते हैं, उसके स्थान पर सुख के स्रोत को स्वयं में सुनिश्चित करने का क्रम बनाएंगे और उस अर्थ में शरीर का प्रयोग करेंगे, तो फिर शरीर को हम ज्ञान समाधान के अर्थ में लगाएंगे, भागीदारी में लगाएंगे कि नहीं। और ये भी दिख रहा होगा आपको कि जितना जितना ये हमको स्पष्ट हो जा रहा है ना, शरीर का साधन की तरह प्रयोग और ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। अभी हम लोग हो सकता है पहले बहुत सारा काम कर रहे थे शरीर से कुछ अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने के लिए, खाना पीना, मौज मस्ती करना, नहीं बहुत सारा अनावश्यक रूप से घूमना फिरना, ठीक है, अनुकूल संवेदनाओं के लिए प्रयास करते रहना, अब उन सबसे निजात पाते जा रहे हैं। अब दिख रहा है कि ये तो पूरा नहीं पड़ेगा, ये तो सूचना मात्र है। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि अल्टीमेटली है ना, मैं ही देखने वाला हूँ या शरीर, मैं ही करने वाला हूँ या शरीर, मैं ही भोगने वाला हूँ या शरीर, इस पे कोई रिफ्लेक्शन हो तो आप रख सकते हैं। मनोहर जी का हैंड रेज है, मनोहर जी के प्रश्न को ले लेते हैं। जी हेलो। जी हाँ, पहले तो गौरव जी, कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बढ़िया। स्पेशली कल और आज जो चर्चा हुई हमारे ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स जो के बारे में जो आपने स्पष्टता की, बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न एक छोटा सा ये था कि जैसे अक्सर बात होती है कि हमें दृष्टा भाव से देखना है, दृष्टा पद से देखना है, तो दृष्टा का जैसे मैंने जो सुनने में आया कि दृष्टा पद तो जब हमारा आत्मा में अनुभूत होते हैं तो एक्टिवेट होता है, तो ये दृष्टा पद कौन सा वृत्ति में है, उस हिसाब से बात कर हिसाब से यही मैं आखिरी भाग नहीं सुनने में आया, कौन दृष्टा आपने कहा ना पद। कौन सी बात? हाँ, जैसे आत्मा में अनुभूत होते हैं वो तो एक्टिवेटेड है ही नहीं हमारी अब इस समय, तो वो दृष्टा पद कहाँ से हम वो बात कर रहे हैं कि दृष्टा पद कौन सा, वही मैं अपना प्रश्न तो, को शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया। नहीं ठीक बात है, उसी को तो जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टा भाव जागृत हो जाए हमारे अंदर, दृष्टा पद में स्थापित हो जाए, अच्छा, तभी हम भूखा बने हुए हैं है ना, कर्ता बने हुए हैं बट शुद्ध दृष्टा नहीं है। अगर देखने का भी काम कर रहे हैं तो आशा के स्तर पे, विचार के स्तर पर या अपने संस्कारों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध दृष्टा में क्या हुआ कि अब ये संस्कारों का बोझ नहीं रहा, मानने के आधार पर नहीं, जो मेरी सहज स्थिति है वहां से देख रहा हूं मैं। तो मैं फिर अभी इस पूरे क्रम में जो अभ्यास एक और दो कर रहे हैं, अपने आप में दृष्टा पद में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जागृत नहीं है, उसको जागृत कर रहे हैं। तो जितना जितना हम अपने आप में देखने का प्रयास करते हैं और जितना जितना बाहर का जो प्रभाव है उसको मूल्यांकित करते हैं, उतना उतना हम दृष्टा पद में स्थापित होते जाते हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो हम अपने आप में सहज स्वीकृति के आधार पर देखने का काम कर रहे हैं, दूसरा ब्लॉक B2 में हम अपने संस्कारों का मूल्यांकन करके उससे हम निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे निवृत्त होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो जब अभी तक इसलिए हम, कह रहे हैं, जी जी आप पूरा कर लीजिए। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध दृष्टा के रूप में जब देख रहे हैं ना, तो संस्कारों के साथ जोड़कर नहीं देख रहे हैं, हाँ जी, उसको तो एक तरफ रख के देख रहे हैं, इसलिए तो ये मानने से जी शुरू ही नहीं कर रहे हैं, जी ठीक यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता है, हमको देखना है। है। यहाँ हमने यहाँ से शुरू किया कि इतना तो पता है ना, या ये पता है, तो फिर उसको फिर ऑब्जर्व कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, अगर पता है तो दिख रहा होगा, नहीं पता है तो माना हुआ होगा। जी तो ये जब तक हमें जो थोड़ा वो जो परिमार्जन होता है जब हम देख पाते हैं, तो वो क्या कुछ क्षण के लिए एक्टिवेट होता है, कैसे मतलब हमें वो कैसे ये नहीं, अभी सामर्थ तो आते हैं? क्षणिक रूप से ही देख पाते हैं, तो आपको क्या अच्छा, होगा इसमें ग्लिम्सेज मिलेंगे आपको, हाँ, जैसे इस पूरे क्रम में कहीं कहीं आपको ऐसे क्षण मिलेंगे जब ये संस्कारों का है ना बोझ नहीं है, ठीक, आप अपने आप में देख पा रहे हैं, कुछ क्षण ऐसे मिलेंगे, उस क्षण में जो उपलब्धि होगी उससे फिर आशा बनती है कि ये देखना हो सकता है, ऐसे जी अगर जी देखा जाए तो चीजें दिखाई देंगी। तो अभी तो बहुत ऐसे ही होता बढ़िया। है, अभी हम क्या करते हैं ना कि फिल्ट्रेशन करते करते कहीं जाके हम पहुंच पाते हैं,
जी भैया, जब फिल्टर आउट हो गया और हमने वहां पे जाके देखा और दिखा, तो उतना भाग तो स्पष्ट हो गया जितना दिख गया। अब उससे एक आशा भी बन गई कि हाँ, अपने को बात स्पष्ट भी हुई कि हाँ, देखा जा सकता है। अभी तो हम जिसको देखना मानते हैं वो तो कुछ आस्वादन कर लेना, कोई विचार कर लेना, कुछ मान लेना, यही हम देखना मानते हैं। सही है, बट सही है, जब सही है। चिंतन या बोध की क्रिया जागृत होती है, जितनी भी जागृत होती है ना, तो वहां से हमको पता चलता है कि ये भी पोटेंशियल है मुझ में, तो दृष्टा भाव में स्पष्ट होता है। उसके पहले सहस्र के घर पर हम उसका अनुमान लगाते रहते हैं कि हाँ, ये बातों में सहज से स्वीकार हो रही है, यानी ऐसा होगा। इसी संदर्भ में एक और छोटा सा प्रश्न है कि जैसे मैं मतलब ये इसको आप कौतूहल कह सकते हैं कि मैं विचार के स्तर पर हूं या इच्छा के स्तर पर, ये मैं अपने आप को कैसे जांचूं? देखिए, अगर भाव को देख पा रहे हैं तो इच्छा के स्तर पे आप क्रियाशील हैं, मगर मेरली आप विश्लेषण कर रहे हैं, तुलन कर रहे हैं, तो विचार के स्तर पे ही हैं। तो समान रूप से अगर हम देखें, मानव जाति को देखें, तो थोड़ा आशा से ऊपर उठ के जीता है ना, विचार के स्तर पर। अभी जो एजुकेशन दिया जा रहा है ना, उसमें आप देखें तो विचार पक्ष तो हमारा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि बचपन से हम बहुत सारे एनालाइज कर रहे होते हैं। परंतु भाव वाला पक्ष अभी उतना पुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि संबंध की बात नहीं होती शिक्षा में, व्यवस्था की बात नहीं होती शिक्षा में, रियल उसके बारे में विचार करते रहते हैं। इसलिए भाव वाला पक्ष जागृत होने में समय लगता है। तो आप देखेंगे कि सामान्य रूप से समाज की जो स्थिति है, तो लोग विचार तो बहुत सारा कर रहे हैं, विचार के आधार पे बहुत सारा आपस में बातचीत कर रहे हैं, बट भाव वाला पक्ष अभी पीछे रह गया है ना, कहीं अभी दबा हुआ है, उभर के नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारी पूरी जी ट्रेनिंग विचार करने की है। भाव के साथ देखते हैं तो एक अलग ही क्रम दिखाई देगा जीने का। तो अभी क्या होता है, जो भाव का जो अभ्यास है वो हमको आपसी संबंधों में, परिवारों में है ना, या निकट संबंधों में, उसको हम कुछ सामयिक रूप से देखने का प्रयास कर पाते हैं। उसी को कहते हैं भाई, अच्छा संस्कार मिला है परिवार से है ना, या कुछ अच्छा है ना गुण मिले हैं परिवार से, तो अभी इस रूप में चलता रहता है। तो विचार वाला भाग तो हम लोग का पुष्ट हो जाता है, भाव वाले भाग को पुष्ट करने के लिए ही तो अपने में काम करने की जरूरत है। अब जैसे जैसे ये पूरा जो अभ्यास है ना, और इसके आधार पर जो जीना है, वो शिक्षा में आएगा, तो बच्चों का बचपन से ही भाव पुष्ट होने लगेगा, सही जी भाव जी स्थापित होने लगेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत ही बढ़िया। मुझे अभी जैसे आप पर स्नेह आ रहा है तो मैं इच्छा पर इस समय क्षणिक रूप से इच्छा में हुआ जिसको बढ़िया जी भैया, धन्यवाद। बढ़िया भैया, समय भी हो चला है, तो आज असाइनमेंट के रूप में इतनी बात रखेंगे जो सामने है, और अभी दीदी अनाउंसमेंट्स कर लें, फिर हम लोग क्लोज कर लेंगे। सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, सभी का नमस्ते।